अरे हाउ आर यू, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल? बस एकदम बढ़िया. यहाँ पे देखे लोग एक काम करते ना, यहाँ से यूँ करते राइट से. सबसे पहले उधर राइट से सेंटर. ओके सर, एक आपका सोलो चाहिए. मैम लोग मैम डर सेंटर सर. अब आप सब लोग एक्सपोज हो गए, कल सब चल जाएंगे. ये भी आर्टिस्ट है भाई, क्या तो बोल रहा है. सपोर्ट हो रहा हूं मैं. सर अभी सेंटर. क्या बात सर, अभी सोलो फोटो चलो. हाँ ले लीजिए. किसका ले लीजिए? खेर साहब का. चलो क्या सेंटर. हाँ लाइन मारा है ना भाई, तेरा साथ मारा है. अरे मशीन गन चल रहा है भाई. आइए पुनीत सर. थैंक यू सर. हाँ भाई, हो गया तुम लोग? हेलो मैम, सेंटर सही है सर? सेंटर. अरे सोलो
मैम सेंटर चलो चलो अभी ले लो इनकी जितनी फोटो लेनी है बाद में बड़ा मुश्किल जाएगा होता है सर को अभी मैं उनको ही यहाँ इनवाइट करूंगा और उनसे जानूंगा इस एफर्ट के लिए जहां पे अपने देश की बात कर रहे हैं, देशभक्ति की बात कर रहे हैं, अपनी जमीन की बात कर रहे हैं, उसको इतना करेजस क्यों बोला जा रहा है? ये तो बड़ा आम सा होना चाहिए था, किसी और ने कर लेना चाहिए था. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द मैवरिक डायरेक्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन, नेशनल अवार्ड विनर एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर विवेक रंजन अग्निहोत्री सर. प्लीज जोरदार तालियां. वेलकम सर. एंड बहुत बहुत शुक्रिया इस सब्जेक्ट को उठाने के लिए, इसके ऊपर फिल्म बनाने के लिए. जैसा मैंने कहा सर, फिल्म नहीं है, इट्स एन इमोशन. मैंने आपके इंटरव्यूज भी देखे, इसके ऊपर जो चर्चा हो रही है उसको भी देखा. क्यों सर इसको करेजस क्यों बोला जा रहा है, या किसी और ने हिम्मत क्यों नहीं करी? थैंक यू वेरी मच आपके फॉर योर काइंड वर्ड्स. पर मैं हिंदी में ही बात जी बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ सब हिंदी में ही हम लोग आज बात करें जी, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है. आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया. ये चूंकि कैमरे में शूट करते हैं और स्क्रीन में देखते हैं, इसलिए हर चीज़ को हम लोग फिल्म मान लेते हैं. खेर साहब यहाँ पे हैं. जब मैंने बुद्धायना ट्रैफिक जैम बनाई थी तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि फिल्म का पर्पस लोगों तक अपनी कहानी पहुँचाना है, कैसे कहीं जैसे भी पहुँचे पहुँच जानी चाहिए. तो हमारी नज़र में ये एक फिल्म नहीं है जी. हमारी नज़र में ये एक मिशन है, और मिशन इसलिए है कि बड़े आश्चर्य की बात है, इन्होंने बोला आपको यहाँ से कोई भगा दे, लेकिन आपसे बोले कि आप अपने घर ही नहीं जा सकते हैं. कल्पना करिए, वो कपड़े, वो बिस्तर, वो अलमारी, वो सब कुछ कभी नहीं, अगले 30 साल नहीं, आपके बच्चे नहीं, आपके माँ बाप नहीं, आपके दोस्त नहीं, आप खुद नहीं जा सकते वहाँ. ये एक बड़ी विचित्र सी चीज़ है जो विश्व में और किसी के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ. मैसेकर्स हुए हैं, परसिक्यूशन हुआ है, जेनोसाइड्स हुए हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप जो आपकी ही मूलतः ज़मीन है, जहाँ यानी ट्रेडिशंस आफ्टर ट्रेडिशंस जहाँ पे आप ही के हैं, और जो भारत का इतना बड़ा एक नॉलेज सेंटर, ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी आप कल्पना करते हैं, आयुर्वेदा, योगा, पतंजलि, नाट्यशास्त्र, पंचतंत्र, शिव, सरस्वती, नॉन डुअलिज्म, शंकराचार्य, हायर फिलोसफीज, उपनिषद, ये जिन चीज़ों की बात हिंदुस्तान करता है, और इनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, तो सब आर्ट, लिटरेचर, पोइट्री, म्यूज़िक की बातें हैं. आज उस ज़मीन पे जहाँ पे ये सब पैदा हुआ था, आज ना तो वहाँ आर्ट है, ना म्यूज़िक है, ना लिटरेचर है, कुछ नहीं है. और जो लोग जिनने ये सब पैदा किया था, आज वो भी उनके लिए जगह नहीं है. कोई जाता है आज भी, अपने कुछ हफ्ते पहले सुना होगा कि आइडेंटिफाई करके कार्ड, आई कार्ड निकाल के स्कूल में किस तरह से टीचर्स को मार डाला गया स्टूडेंट्स के सामने. तो एनीवे, तो द रीज़न वी आर हियर, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सब करेंगे, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये फिल्म बनी कैसे. मैं और पल्लवी, हम लोगों ने एक बहुत छोटे क्रू के साथ 700 से ज़्यादा फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स मतलब जिनके माँ या पिता का कत्ल हुआ, किसी का रेप हुआ, जहाँ बच्चों को मारा गया, घर जला दी गया, संपत्ति लूट ली गई, ऐसे लोग जो फर्स्ट हैंड विटनेस हैं, जिनके साथ हुआ या जिनकी जिनने आँखों से अपने पिता या माँ के साथ देखा. क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आपने देखा नहीं है, सुनी सुनाई बातें, तो उसमें एग्जैजरेशंस वगैरह भी होते हैं. तो ऐसे लोग दुनिया में जहाँ भी थे, अमेरिका में, यूके में, जर्मनी में, उन सब के हमने वीडियो टेस्टिमोनियल्स, जैसे कि वॉर क्राइम के किसी गवर्नमेंट को रिकॉर्ड करने चाहिए, जो हमारे यहाँ किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया आज तक, वो हम लोगों ने अपने दिमाग में एक ट्रिब्यूनल सा बनाया और कहा लेट्स रिपोर्ट देम लाइक वॉर क्राइम्स. और ये एक एक दो दो दिन तक कई कई इंटरव्यूज चलते रहे. कई तो ऐसे लोग थे, बहुत बूढ़े भी हो गए, 80-90 साल के भी हो गए, और साउथ अफ्रीका से हमारे पास टेस्टिमोनियल्स आए, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, जम्मू से, दिल्ली से, बेंगलोर से, जहाँ भी लोग हैं. और सिर्फ फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स नहीं, बल्कि उस वक्त जो वहाँ पे DGP पुलिस थे, या उनकी फैमिलीज, या जहाँ डिविजनल कमिश्नर जो थे वहाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे जगमोहन साहब, हिस्टोरियंस, जितने भी टॉप लेवल
जो ऑथेंटिकेट क्रेडिबिलिटी वाले लोग हैं, जिनको पूरा विश्व मानता है कि ये बोलते हैं तो इसमें अतिशयोक्ति या झूठ नहीं होता, ऐसे सब लोगों के साथ मिलके ऑन रिकॉर्ड वी ट्रेवल्ड एंड रिकॉर्डेड इट। ये फिल्म में एक एक शब्द, एक एक सीन, एक एक शॉट जिसको आप विजुअली देखेंगे, इसमें से एक भी चीज ना तो मैंने लिखी है ना मैंने किया है। हमने सिर्फ उन चीजों को रिक्रिएट कर दिया है जिसके एक नहीं बल्कि हजारों विजुअल रेफरेंसेस हैं या जिनके डायलॉग्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। ये पहली फिल्म ऐसी आप मान के चलिए कि विश्व के इतिहास में बनी है जिसमें एक भी शब्द काल्पनिक नहीं है। ये अलग बात है कुछ कैरेक्टर्स के नाम, चूंकि वी वॉन्टेड टू रिस्पेक्ट द डेड, एक इंटरनेशनल एटिकेट, एक नॉर्म है कि जिन लोगों को इस तरह से मारा गया है तड़पा के, उन लोगों को जनरली वी अवॉइड नॉट टू हर्ट देयर फैमिलीज। और जो कई सारी कहानियां उनको एक टाइमलाइन में पिरो दिया गया है, सिर्फ इतनी हमने लिबर्टी ली है। तो मैं अब अगले 20 मिनट आपको वो दिखाना चाहता हूँ जो एक बहुत छोटा अंश है। हमारे पास तो इतना मटीरियल है कि एक महीना भी कम पड़ जाए अगर आप डे एंड नाइट 24 घंटे भी देखें तो इतना हमारे पास वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और शायद दुनिया में हमारे पास हैं और किसी के पास नहीं। तो मैंने एक सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए एक छोटा सा 20 मिनट की झांकी जिसको बोलते हैं दिखाने के लिए, सो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से वो प्योरेस्ट ऑफ द इमोशंस वी हैव गॉट और उस पर हमने कैसे फिल्म बनाई है। एक छोटी सी 20 मिनट की जर्नी आप देखेंगे तो आपको इस फिल्म के बारे में ये समझ में आएगा कि ये सिर्फ एक फिल्म क्यों नहीं है एंड वाई इट इज मोर देन अ फिल्म। तो आप देखें, उसी में सब कुछ है। थैंक यू। क्वेश्चंस होंगे। वुड लाइक टू थैंक विवेक सर एंड दी एंटायर टीम, पल्लवी मैम, फॉर डूइंग दिस, उन सब से मुलाकात करके ये सब यहाँ पे लेके आने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि क्या सच्चाई है। एंड इसी के साथ मैं यहाँ पे अब एक एक करके इनवाइट करना चाहूँगा उन सबको जिन्होंने इसको पॉसिबल किया है, इसको अपने खून पसीने से सींचा है। सबसे पहले गिव इट अप फॉर पल्लवी जोशी जी, नेशनल अवार्ड विनर, प्रोड्यूसर एंड अ ब्रिलियंट एक्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम मैम। आपके बाद उनकी तारीफ में जितना कहा जाए उतना कम है। हर किरदार को बिल्कुल जिस तरह निभाते हैं उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। ही इज द वन द ओनली अनुपम खेर साहब, जोरदार थालियां प्लीज उनके लिए। वी हैव द वेरी वर्सेटाइल समवन जिन्होंने जो भी किरदार किया उसको एक अलग ढंग से, आई थिंक ब्रीफ जो मिलती होगी उससे भी एक कदम आगे जाके प्रस्तुत किया होगा। गिव इट अप फॉर दर्शन साहब यहाँ पे हमारे साथ, हम सबके फेवरेट हैं। विवेक से संस्कृति की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, और जब ये बात आती है तो कैसे उनको नहीं बुलाया जाए, कैसे उनकी बात नहीं की जाए। पुनीत सर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज, हम सबके फेवरेट। वी ऑल्सो हैव अतुल जी हैं हमारे साथ, अतुल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, अनदर ब्रिलियंट ब्रिलियंट एक्टर। एंड नाउ जैसा मैंने कहा खून पसीना लगा है इसमें, जी जी जैसा मैंने कहा कि खून पसीना लगा है तो डायरेक्टर साहब को बुलाऊंगा, लेकिन उनसे पहले चिन्मय, आई थिंक ही इज नॉट हियर, सो गिव इट अप फॉर भाषा, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिन्होंने अपने अपने कला से इसमें जान डाल दी ऑफ कोर्स। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, द पर्सन बिहाइंड ऑल दिस, गिव इट अप फॉर विवेक रंजन अग्निहोत्री साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम सर, प्लीज बी सीटेड जी, थैंक यू सो मच। पल्लव जी, मेरा आपसे है सबसे पहला सवाल, बिफोर वी मूव ओवर और मीडिया से सवाल लें, हम इतने सारे लोगों से मिलना करके उनकी दिल की बात सुन के उसको समझ के और अब यहाँ प्रेजेंट कर रही हैं और जो किरदार आप प्ले कर रही हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पता नहीं मैं कितनी बार ये देख चुकी हूँ, ये जो आपने अभी देखा, बट बिलीव यू मी एवरी टाइम आई सी दिस, एवरी टाइम आई कांट स्टॉप माई टीयर्स। जो रिसर्च हम लोग कर रहे थे, एज यू कैन सी हाउ पेनफुल इट वॉज, रोज हम लोगों से यही सुन रहे थे, उनकी पेन की स्टोरीज सुन रहे थे, उनकी एंग्विश, किस तरह से उनका सब कुछ पीछे छूट गया, किस तरह से उनके घर वालों को बहुत बेरहमी से मारा गया। तो एक समय के बाद ये होने लगा कि ये दिमाग है ना, इतने दर्द को, इतने दुख को प्रोसेस करना बंद कर देता है एक समय के बाद,
And every time we would go back to our hotel, Vivek and I would just lie down and keep staring at the ceiling क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी हमें. It was impossible to emotionally unwind क्योंकि हमें पता था कि दूसरे दिन सुबह उठ के जो सुना है उससे भी ज़्यादा भयानक stories हमें सुननी है. And we kept doing this for like almost a month and a half. And after that, when I came back, I said it was impossible. At a point came when I told Vivek, मैं जा रही हूँ वापस. I cannot take this pain anymore. And it wasn't just the pain, it was also the guilt. You know, somewhere as an Indian, कि ये कहानियाँ हम तक पहुँची नहीं, ये जो कुछ भी हुआ कश्मीर में हम तक पहुँचा नहीं. And हम इतना भारत की बात करते रहते हैं और हमने कुछ किया नहीं, हमारे अपने ही लोगों के लिए नहीं किया. सो ये एक गिल्ट भी बहुत ज़बरदस्त था. और उसके बाद जब ये स्क्रिप्ट लिखी विवेक ने, एंड व्हेन आई रियलाइज्ड आई एम गोइंग टू प्ले राधिका मेनन, मेरे दिमाग में मैंने उसको बहुत बड़ा बना लिया था पहले, विलन को, क्योंकि इतना सारा मैंने सुना था. तो एक आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू वन वेरी स्मॉल इंसिडेंट. विवेक ने मुझे एक बार, हम लोग जेन की बात कर रहे थे, तो ही हैड एक्सप्लेन्ड इट टू मी वेरी वेल. व्हेन आई डिडंट नो जेन, rivers were rivers, trees were trees, mountains were mountains. When I began to understand Zen, rivers were not rivers, mountains were not mountains, and trees were not trees. And when I finally understood Zen, rivers were rivers, trees were trees, and mountains were mountains. So that's exactly what had happened with me also, ki maine pehle to agar mere paas koi ye bhumika shayad leke aata, koi aur director le aata, I probably would have played it absolutely the same way, थोड़ा अपना thought डाल के उसमें. ये tour जब हमारा हुआ, research tour, उसके बाद I said no, the villain has to be like really big. और सारा research होने के बाद जो script form में जब हमारे सामने आया, so then I realized no, what Radhika Menon has to be. And I'm so glad that I got an opportunity to play this because I know exactly how big the villain is for the Kashmiri Pandits after having listened to their stories. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Anupam sir, this one's for you. बहुत मुश्किल होता है उस किरदार को प्ले करना जो आपने महसूस किया हो, बिकॉज महसूस करना जो है, when you are performing that as an actor, सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फिल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है. तो इस फिल्म के दो पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन. तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ़ को नहीं ला सकता है. महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ़ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट. इट्स अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू डू दैट. सो आई वॉन्ट टू सेपरेट टू इशूज़ ओवर हेयर. वन इज़ दैट जस्ट बिकॉज आई एम ए कश्मीरी पंडित डज नॉट मीन दैट आई विल बी एबल टू पोर्ट्रे दैट pain brilliantly unless I can project what I am feeling. जब विवेक ने मुझे ये, मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली, कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्करनाथ. ना पुष्करनाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का. तो एंड हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे. अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था. ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म बन रही है. क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है? हम तो बाहर से आए थे, फ्लाइट से ऐड किए थे, रास्ते में खाना वाना खा के गए थे. एंड देन इट डॉन्ड ऑन मी व्हाट इट इज़ टू बी प्लेइंग पुष्करनाथ, अ सिंपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीज़ों का पता नहीं है. आई वॉज रिप्रेजेंटिंग ए नॉर्मल कश्मीरी पंडित फ्रॉम कश्मीर, विच माई फादर रिप्रेजेंटेड वेरी वेल. एंड देन इट वॉज डिफिकल्ट टू डू दैट रोल, बिकॉज हाउ डू आई सेपरेट द इमोशंस ऑफ अनुपम खेर फ्रॉम द इमोशंस ऑफ एक्टर अनुपम खेर. What is real and what is acting? So from that point of view, it was one of the most difficult roles. He
he gets dementia, he does not know what is happening, he has to, and on top of it, I was doing scenes with Darshan, who was not on the same wavelength as a character of Pushkarnath. So it was a difficult job. Plus, kahani wo thi jo मैं सुन चुका था अपने रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों से, मेरे मामा से, मेरी माँ से, और हम सब वो अंडर द रग उसको जब छुपाते हैं ना, जब तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो उसको दबा के रखते हैं, दैट्स व्हाई इट टर्न्स इनटू डिप्रेशन. बट आई एम सो हैप्पी दैट विवेक यू एंड पल्लवी यू मेड दिस फिल्म, बिकॉज आप लोग तो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं एज जर्नलिस्ट, बट इस कमरे की खामोशी बताती है कि आज आपको भी कहीं तो झटका लगा है. एंड दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट आई विल से ऑफ द फिल्म, बिकॉज व्हेन पेन रीचेस अदर पीपल देन हाफ द जॉब इज डन. सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट दिस फिल्म हैज़ डन. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. विवेक सर, दिस वंस फॉर यू. मैं आपसे जानना चाहूँगा, जनरली क्या होता है, फिल्म आने वाली होती है, बहुत हल्ला गुल्ला मचाया जाता है, मार्केटिंग होती है, प्रमोशंस होते हैं, ये यदा कदा ही देखने को मिलता है कि जब फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, लोग खुद से उसको रिव्यू कर रहे हैं, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक रीच जो कहा जाता है, प्लीज़ मेरे को उसके ऊपर थोड़ा बताइए, बिकॉज आई नो यू वुड नॉट वांट टू टॉक अबाउट दैट, कि ठीक है यार सही जगह जा रही है चीज़, बट नहीं, ऑर्गेनिक रीच और जिस तरह से इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है उसके ऊपर प्लीज़ बोलिए कुछ. सच बोलूं? बिल्कुल सच बोलना है सर. डिप्लोमेटिकली बोलूं, देखिए ऑर्गेनिक रीच, ऑफ कोर्स मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ, मैंने कम्युनिकेशन में ही पढ़ा है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक होता है ऑर्गेनिक रीच जो लोग खुद एक दूसरे तक पहुँचाते हैं मैसेजिंग, और दूसरा होता है एक हाइप्ड अप रीच, यू नो, जहाँ आप इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दें, इतनी हाइप क्रिएट कर दें कि लोग एक इवेंट बन जाए और मजबूरी में लोग कहें भाई हमें तो इस इवेंट का पार्ट होना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो. तो साल में 5-6 फिल्में इंडिया में रिलीज़ होती हैं, 6-7-8 मैं कहूँगा, जो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो चाहे 2024 में आए चाहे 2026 में आए, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, हमें इसका पार्ट बनना है. हमारे आसपास भी ऐसी फिल्में आ रही हैं, 3 साल से सारा मीडिया लिखता है कि ये फिल्म तो लोग देखेंगे, यानी मीडिया ने डिसाइड कर लिया घर घर जाके कि उस फिल्म को कौन देखेंगे. अब जब मीडिया ने डिसाइड कर लिया तो लोगों तक वो बात पहुँच ही जाती है. पर मैं जितनी फिल्में बना रहा हूँ अब इन विवेक अग्निहोत्री 2.0 में, उसमें इन फिल्मों को हाइप अप करने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी रियल है, इतनी जुड़ी हैं ज़मीन से, और ऐसा कोई हमारे साथ उस तरह के भी स्टार्स और एक पूरा मसल और मैकेनिज्म काम नहीं करता है हमारे साथ भी जो वो हाइप क्रिएट कर सके. तो हम तो सिर्फ जनता जनार्दन के ही सहारे रह सकते हैं. ताशकंद फाइल्स आप सब जानते हैं, 150-170 स्क्रीन में रिलीज़ हुई थी, और उसी के साथ 5,000 में कलंक और एंड गेम रिलीज़ हुई थी, पर हमारी चलती रही कछुए की चाल, कभी लंबी चली जाती है कई बार. तो लोगों को समझ में आया. इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही है. कोई ऐसा आप देखें ना, तो हमारे पास बजट है मार्केट करने के लिए, कुछ करने के लिए, बहुत कम स्क्रीन में रिलीज़ होगी. अगर ईश्वर का आशीर्वाद हुआ, लोगों का आशीर्वाद हुआ, स्नेह मिला फिल्म को, तो हो सकता है वो स्क्रीन्स बढ़ते 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 शायद फिर से लंबी रेस हो जाए. तो इसलिए मुझे बहुत आदत भी नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हमारे साथ होती भी नहीं है, लेकिन तो इसलिए मुझे अपनी आवाज़ खुद निकालनी पड़ती है, खुद अपने प्रोडक्ट को जनता तक ले जाना पड़ता है. तो कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आप बोलते बहुत ज़्यादा हैं सोशल मीडिया में, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, आप बोलने लगी मेरे बिहाफ पे, जैसे स्टार्स के लिए बोलते हैं मैं चुप हो जाऊँगा. चिंकू मेरे बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि आजकल बिना पैसे के बोला भी नहीं जाता है किसी के बारे में, और मेरे पास पैसे भी नहीं है देने के लिए, तो इसलिए मैं खुद बोलता हूँ. तो इस फिल्म के लिए भी मैं ही बोल रहा हूँ, मैं इसको ले लेकर दौड़ रहा हूँ. आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. मैं इसलिए कह रहा हूँ ये फिल्म, आप सब जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर हैं, कईयों को तो मैं करियर शुरू होने के पहले से जानता हूँ. मैं जब आया था इस इंडस्ट्री में तो नाम सुना था मैंने कि भाई एक बहुत बड़े और बहुत ही बिजनेस टाइप के एक ट्रेड जर्नलिस्ट हैं, क्रिटिक हैं, कोमल नाहटा जी, मैं तब से उनको जानता हूँ. और कंसिस्टेंसी देखिए, मैंने कभी आज तक, अब आप बैठी हैं, आपको मैंने शायद शुरू भी नहीं किया था करियर, तब से जानता हूँ. तो आप सब भी बड़ी शिद्दत से अपना काम करते हैं, पर ये जो फिल्म है इसको हमने मार्केट भी उस तरह से नहीं किया, देखो हमने फिल्म बनाई अब मार्केटिंग करते हैं, हमने वो सब किया नहीं.
हमने कहा फिल्म बनी हुई थी, कोविड का वक्त था, हमने कहा चलो इसको कहीं नहीं है तो अमेरिका में तो दिखा सकते हैं, वहाँ सिनेमा हॉल खुले वहीं लोगों को दिखाते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, 36 ऑर्गेनाइजेशन, ये पहली बार किसी हिंदी फिल्म के इतिहास में हुआ है। तेलुगु एसोसिएशन, सिंधी एसोसिएशन, यजदी एसोसिएशन, वर्ल्ड सिख एसोसिएशन, वर्ल्ड सिख एसोसिएशन, ज्यूज एसोसिएशन, फिजिशियंस एसोसिएशन, ऐसी नेपाली एसोसिएशन, बुद्धिस्ट एसोसिएशन, तिब्बत एसोसिएशन, 36 ऑर्गेनाइजेशंस ने जब हम गए तो उन्होंने कहा अब हम इस फिल्म को दिखाएंगे लोगों को। और ये अमेरिका के 16 सिटीज में जैम पैक, मतलब स्टैम्पीड होती थी, आप उसकी फोटो देखेंगे, वीडियोस देख, सब जगह पड़े हमने डाले, मतलब यह हालत हो गई थी कि जितने लोग अंदर थे उतने ही बाहर खड़े होते थे कि भाई हमें दिखा दो ये फिल्म। और कोई इसकी हमने एडवर्टाइजिंग नहीं की, कोई पब्लिसिटी नहीं की, किसी मीडिया ने, आप सब मीडिया से आपके पेपर पर किसी ने नहीं लिखा होगा इसके बारे में, किसी टीवी चैनल ने बात तक नहीं करी। एक चीज जैसे ऑस्कर में आप कोई भी चाहे, आप कोई सी भी फिल्म बनाए, अपनी स्क्रिप्ट ऑस्कर की लाइब्रेरी में जमा करा सकते हैं, उस जैसी चीज को लोग फ्रंट पेज न्यूज बना बना के इस देश में अपनी फिल्मों को मार्केट करते आए हैं। तो मैं आपको 3 एग्जांपल बताना चाहता हूं। इस फिल्म को वॉशिंगटन डीसी में देखने के बाद पहली बार सिनेमा के इतिहास में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड सिनेमा के इतिहास में किसी फिल्म मेकर्स को, मुझे और पल्लवी को कैपिटल हिल में बुला के कांग्रेशनल रिसेप्शन किया गया। और वहां पर कांग्रेसमैन, और मैं ऑस्कर की तरह बात नहीं कर रहा हूं जो झूठ मूठ की न्यूज बनती है कि ऑस्कर में आप एक एकदम सीक्रेट फिल्म भी बना दें, उसकी अगर स्क्रिप्ट भेज दें तो वो उनका क्या जाता है, वो तो एक आर्काइव है, उसमें कोई भी डाल सकता है। वहां पे राजा कृष्णमूर्ति, जो कि फ्री कश्मीर की कैंपेन के साथ जुड़े थे, डेमोक्रेट कांग्रेस मैन है, जो कि हमेशा जो एंटी कश्मीर मूवमेंट होता है उसके साथ जुड़े रहते हैं, ही सॉ द फिल्म एंड ही केम एंड सेड, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव रियलाइज्ड अबाउट दिस पेन एंड आई मस्ट एडमिट दैट कश्मीरी पंडित कम्युनिटी इन अमेरिका इज मोस्ट सक्सेसफुल अमंगस्ट द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल एंड दे आर द इंस्पिरेशन फॉर द वर्ल्ड पीस एंड ह्यूमैनिटी। माइक वॉर्नर, हु इज द टॉप मोस्ट सेनेटर ऑफ अमेरिका, ही वॉज फुल ऑफ प्रेज फॉर दिस। ब्रार, बॉब ब्रार इज अ वेरी फेमस सेनेटर देयर। और सिर्फ उतना ही नहीं, हम जहाँ जहाँ ये दिखाई उन स्टेट्स ने प्रोक्लेमेशन दिया इस फिल्म का, हमने तो बताया ही नहीं लोगों को ये बात, क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे अपने मुंह में मिट्टू बन रहे। नॉट ओनली दैट, कश्मीर में किसी ने आज तक प्रिंट में, मीडिया में, टीवी में, होर्डिंग में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी कश्मीर का पूरा नक्शा नहीं देखा है। इन अमेरिका टू पुट अप अ फुल मैप ऑफ कश्मीर इज अ बिग नो। इंडियंस भी नहीं डालते, इंडियन के बच्चों ने, एनआरआईज के बच्चों ने, आप सब जानते हैं अमेरिका में लोगों को, उनसे पूछिएगा, उनके बच्चों से, उनने कभी कश्मीर का पूरा नक्शा नहीं देखा है। आपको मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुन के आपका गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। ये फिल्म देखने के बाद लोगों ने अपने आप, दर्शकों ने, जो देख के जाते थे, पैसे जोड़ जोड़ के अल्टीमेटली इस साल 26 जनवरी को जो वर्ल्ड की सबसे प्रेस्टीजियस और सबसे महंगी एडवर्टाइजिंग साइट है, जहां पे फ्री कश्मीर के होर्डिंग्स लगवाए थे पाकिस्तान ने, वहां पे लोगों ने अपने पैसे जमा जमा करके 2 दिन के लिए पूरा कश्मीर का मैप लगाया द कश्मीर फाइल्स के नाम के साथ, जो आपने देखा भी इस वीडियो के अंदर। ये आप मुझे बताइए विश्व के इतिहास में कब हुआ है ऐसा? और लास्ट बोल रहा हूं क्योंकि इसके बाद बाकी लोग बोले, मुझे जो बोलना था फिल्म में बोला है मैंने। आपको एक लास्ट बात बताता हूं, आप सब फिल्म इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे हैं, आप लोग हॉलीवुड का सिनेमा, कोरियन सिनेमा, ब्रिटिश सिनेमा, इंडियन सिनेमा, तेलुगु, हर सिनेमा के बारे में मुझसे 10,000 गुना ज्यादा जानते हैं। अपने जोर दिए दिमाग पे, कभी आपने किसी फिल्म मेकर को, इंक्लूडिंग हॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स, कभी किसी को देखा है फिल्म रिलीज होने के 3 महीने पहले अपनी फिल्म ओपन फॉर ऑल जगह जगह 16 शहरों में जाके दिखाना, बिना ये सोचे कि लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे, बुराई करेंगे, अच्छाई करेंगे, और एक आदमी ने एक नेगेटिव कमेंट नहीं किया? आप इतने वीडियोस हैं, जो था आके सब रोते थे, चिपकते थे, तो क्योंकि ये फिल्म नहीं है। अगर फिल्म होती तो मैं भी डरता, अरे भाई किसी ने बोल दिया कि अच्छी नहीं है तो इसका बिजनेस खराब हो जाएगा, अगली फिल्म कैसे करूँगा। लेकिन ये हमारे लिए एक जीवन का मकसद, एक मिशन बन गया था, एक कहानी को बताना, और इसीलिए हम लोगों ने ये किया। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इस फिल्म के अचीवमेंट्स नहीं है, ये बात दर्शाता है जब आप एक सच्ची कहानी लोगों के पास जाएं तो उसका यूनिवर्सल रेजोनेंस होता है, एंड फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम दिस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, वी हैव अचीव दैट। थैंक यू सो मच विवेक सर। दर्शन भाई, दिस वन्स फॉर यू।
मुझे बताएं, आपने जितनी भी फिल्में अब तक करी हैं, जैसा मैंने कहा वर्सेटैलिटी की बात हम सब करते हैं, किरदार को अलग एक परवान चढ़ा देते हैं आप, ये आपकी फिल्मी जर्नी में कितना इम्पोर्टेंट होगा, ये जो इमोशन है, हाउ इम्पोर्टेंट वुड इट बी? हेलो एवरीवन, एक्चुअली मुझे याद है मेरी पहली मीटिंग पल्लवी मैम के साथ, जब उन्होंने मुझे यही वीडियोज़ दिखाए थे, और जैसे मैं अभी नम हो रहा हूँ वैसे ही था मैं, कुछ बोल नहीं पा रहा था वो वीडियोस देखने के बाद। फिर विवेक सर से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी फिल्म की, और स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त भी मैंने सेम पेन और सफरिंग जो उन लोगों के साथ हुई, जो उन्होंने कैसे सर्वाइव किया, वो सब इमेजिन किया और वही फील हुआ। वो दिन और फिल्म ख़त्म होने के तकरीबन 2 हफ्ते और लगे होंगे मुझे इस कैरेक्टर से बाहर आने में, और हर नाइट का मैं बता सकता हूँ कि मैं अपने बिस्तर पर सो नहीं पाता था होटल रूम में, क्योंकि मुझे एज एन एक्टर मैं बैक स्टोरी तैयार करता हूँ, वो बैक स्टोरी तैयार करने में मुझे और वीडियोस देखने पड़ते थे और जानना पड़ता था, और एज मैं कॉलेज स्टूडेंट प्ले कर रहा हूँ कृष्णा पंडित जिसकी रुचि पॉलिटिक्स में है, और वो बहुत कंफ्यूज है, उसको लाइफ में बहुत कुछ जानना है, सच्चाई जाननी है जो उसके सामने नहीं आती है, हर तरफ से अलग अलग रूप में उसके सामने आती है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो वो सब जानना, उस कैरेक्टर में जाना मेरे लिए बहुत बहुत डिफ़िकल्ट रहा, तो ये रोल मेरे लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट रहा। बट मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे कृष्णा पंडित कैरेक्टर करने का मौका मिला, क्योंकि ये फिल्म नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है जी। ये इमोशंस हैं लोगों के जो उनके साथ बीती है, एंड आई थिंक जब मैं आज रिव्यूज़ देख रहा हूँ जितने भी YouTube पे या जहाँ पे भी अवेलेबल हैं, चाहे वो इंडियंस हों, पाकिस्तानी हों, चाहे वो US से हों, यूरोप से हों, अफ्रीका से हों, हर आदमी इमोशनल था, हर आदमी कनेक्ट कर पा रहा था, क्योंकि ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है। सो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे फिल्म में काम करने का मौका मिला और इतने लिविंग लेजेंड्स के साथ काम करने का मौका मिला। सो थैंक यू सो मच पुनीत सर, अतुल सर, दिस वंस फॉर यू। आप दोनों को साथ में स्क्रीन पे देख रहे हैं हम लोग, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आप लोग के व्यूज़ की भी अगर मैं बात करूँ तो आपने भी यू नो दिल खोल के बोलते हैं जब आप बोलते हैं, और वैसे ही डायरेक्टर साहब हैं, ही इज़ बिन वेरी वोकल, उनकी जो ओपिनियंस हैं उन्होंने, ही इज़ नेवर हेल्ड बैक, वो रोकते नहीं हैं खुद को, जो है भाई जो देश के लिए है, जो जैसा है मैं उसको वैसे ही रखूंगा। सो उस बीच कैसा रहा फिल्मिंग के दौरान, हाउ वॉज इट विथ विवेक सर, बिकॉज आपके खुद के भी ओपिनियंस हैं, तो कुछ टकराव या कुछ ऐसा था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। कि देखिए, बहुत ही ये कटु सत्य है जो जेनोसाइड हुआ जी, और दुर्भाग्यवश हमारे देश में किसी ने भी इसको खुलकर बोलने में हिम्मत नहीं की, ना पत्रकारों ने, ना मीडिया ने, गवर्नमेंट ने, किसी ने भी वो साथ नहीं दिया। जो मैं 1990 की बात कर रहा हूँ था, तो जब हमें तो खैर पता था कि क्या हो रहा है, हमारे कुछ क्लोज दोस्त यार वहाँ पे थे। फिर जब विवेक और पल्लवी ने मुझसे कहा कि पुनीत जी हम चाहते हैं कि आप भी इस फिल्म का एक हिस्सा बनिए, तो इमीडिएटली मैंने यस कहा कि मुझे मैं करूँगा। और ये एक जो कटु सत्य है, ये यथार्थ है, तो इसे ऐसी बोल्ड सब्जेक्ट को बाहर लाना ये अपने आप में काबिल तारीफ बात है जो विवेक जी ने किया है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, तो ये सराहनीय है, ये बहुत ही ब्रेव अटेम्प्ट है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फिल्म है, ये जो सत्य है, ये हर दर्शक, हर हिंदुस्तानी, हर इंसान इसे ज़रूर देखे, ताकि पता चले कि हमारे देश में किस तरह एक ना मास जो मर्डर किए गए, जेनोसाइड किया गया, ये जो है ये सत्य सामने आना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा कभी भी हिंदुस्तान में ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। अतुल सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे गर्व है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ, और विवेक जी के लिए मैं हिम्मत की दाद दूंगा कि आज तक किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं की इस विषय पे फिल्म बनाने की, और जो कहानी जो घटना घटी उस पर सच्ची फिल्म बनाने की किसी ने हिम्मत नहीं करी। इनफैक्ट कहीं की भी सच्ची घटना इस तरह की जो होती है, हिम्मत लोग कर नहीं पाते। तो और
बस यही कहूँगा जो पुनीत जी ने कहा कि जिस ईमानदारी से, जिस मेहनत से, जिस सच्चाई को से फिल्म बनाई गई है, उसी ईमानदारी से प्लीज़ सब लोग ये फिल्म देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलें कि ये फिल्म देखें, क्योंकि ये फिल्म नहीं, ये सच्ची घटना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बादशाह, आपके लिए मेरा सवाल ये है कि इतने सारे दिग्गजों के साथ काम किया आपने, फिर आपका जो एक किरदार है उसकी बात सोशल मीडिया पर बड़ी हो रही है, जिस हिसाब से दिखा है, यू नो, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, और जैसा हमने ऑर्गेनिक रीच की भी बात की, आज के ज़माने में इतनी जल्दी होता नहीं है कि लोग खुद से बात करें, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी जर्नी पर? सबसे पहले नमस्कार सभी को। मैं सबसे पहले इस पूरी ये जो मेरे साथ हो रहा है, आई एम अ वेरी नॉर्मल पर्सन। मैं खुद रियल लाइफ में कश्मीरी हिंदू रेफ्यूजी हूँ और एक्टर भी हूँ। मेरे लिए इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। ऑफ कोर्स इधर बैठना भी और ये फिल्म करना, ये सब हो चुका है। मैं कभी कभी आई स्टिल टेक टाइम टू रियलाइज कि ऐसा हो गया था। हम लोग सेट पे होते थे सर के साथ, सबके साथ, एंड ये जो फिल्म मेरे लिए बहुत ही रीलिव, आई हैड टू रीलिव द होल हॉरर। बट सर एंड मैम हैव बीन स्पेशली वेरी वेरी सेंसिटिव। आई मीन, पहली बात तो ये आपकी, आप ये कर रहे हैं, फिर आप सर ने मतलब विशेषकर कहा था कि मैं चाहूँगा कि कश्मीरी हिंदू समुदाय से अगर एक्टर्स मुझे मिलें तो आई हैव बीन वेरी वेरी लकी दैट ही चोज मी, ही आस्क्ड मी टू ऑडिशन एंड ही चोज यू नो मी फॉर दिस रोल, जो कि मेरे लिए बहुत ही भयानक था। मैं अभी भी, जैसे दर्शन जी ने कहा, मैं अभी भी रात को झटके से उठ जाती हूँ कि वो सब जो हुआ है उसको रिलीव करने से, और जो शूट पे हमने किया, जब शूट पे मैंने किया जो भी सिचुएशंस थे, मुझे कभी कभी लगता था कि ये सच है, बिकॉज वो सच हो चुका है। सो वी वर बट वी वर रीलिविंग दैट, लेकिन मुझे लगता था कि मतलब वो, मैं यू नो डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियल एंड दिस, तो फिर मुझे खुद को रियलाइज़ करना पड़ता कि नहीं, आई एम इन अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट, इट्स जस्ट शूटिंग, बिकॉज दैट्स वाई इट्स नॉट अ फिल्म। हम सिर्फ रियलिटी को रिक्रिएट कर रहे हैं, इसमें कुछ भी, जैसे सर ने कहा, फिक्टिशियस कुछ भी नहीं है। और मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, एंड दे ऑल हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव, वेरी वेरी सपोर्टिव एंड वेरी काइंड टू मी, ऑल ऑफ देम। आई एम वेरी ग्रेटफुल। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पूरी टीम को सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसे सबके सामने लाने के लिए। एंड आई एम श्योर आप लोगों के मन में भी बड़े सारे सवाल होंगे, तो अब आप लोगों की बारी है, प्लीज शूट। विवेक जी प्रॉपर्टी थी और हमें अभी भी निकाला गया, वहाँ से हटाया गया, लेकिन मैं अगर उसका स्याह पक्ष देखूं और मैं कहना चाहूं, एक कश्मीरी पंडित होने के नाते कहना चाहूं कि अगर वो लोग हैं, और आज की जो सिचुएशन है जिसमें सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है, विधु विनोद चोपड़ा ने भी अभी अभी एक अच्छी फिल्म बनाई थी इस पर, तो क्या उनको वो जो स्याह पक्ष है, वो लोग हैं, उनको जोड़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बैठा है उनको गोद में बिठाने के लिए। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ इस तरह की भी चीज़ें निकालें, एक छोटे से बच्चे को, एक 4 साल के बच्चे को टेररिस्ट करार कर दिया गया था, और वो कुछ मेरी बेटी ने जाकर वहाँ रिसर्च किया था तो उसने मुझे बताया था। तो मैं सिर्फ आपसे, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव डायरेक्टर हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कोई ऐसी कड़ी जहाँ आपने इतना सब रिसर्च किया कि उन दोनों को जोड़े, उन दोनों को साथ लाने की कोशिश करें? देखिए, क्या चीज़ है जो हमें जोड़ती है? हम लोगों को पैसा नहीं जोड़ता है, जो लोगों को, इंसानों को जोड़ता है आपस में, वो है कल्चर। बिना कल्चर के हम जानवर हैं। हमें कल्चर जोड़ता है। कैसे? आप कहीं और से हैं, मैं कहीं और से हूँ, आप कहीं और से हैं, लेकिन जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम एक हो जाते हैं। हम जब खाना शेयर करते हैं, या हम गाने गाते हैं साथ में, या कपड़ों को लेके, त्योहारों को लेके, म्यूज़िक से, आर्ट से, कहानियों से, लिटरेचर से, ड्रामा से, फिल्मों से, हम क्यों OTT और फिल्मों का एक्सपीरियंस अलग है? फिल्म जब हम 300-400 लोग एक साथ बैठ के देखते हैं तो एक साथ हंसते हैं, एक साथ रोते हैं, एक साथ उठ के चले जाते हैं। तो ये कल्चर जो है वो इंसान को जोड़ता है। अब एक बहुत बड़ी समस्या ये हो गई कि कश्मीर में आज कल्चर के नाम पे कुछ बचा नहीं है। एक मोनोटोनिक
चीज़ है, कोई डाइवर्सिटी। कश्मीर इतना डाइवर्स था, भारत से जगह जगह से, केरला से, बंगाल से, सब जगह से लोग वहाँ गए थे और वहाँ रिसर्च करके सब अल्टीमेटली पंडित, जिनको आज बोलते हैं पंडित, मतलब द हाइएस्ट इंटेलेक्चुअल्स एंड द स्कॉलर्स ऑफ अ सब्जेक्ट, तो वहाँ पे पंडितों का एक समूह बना और वो इंडिया का जितना भी रिसर्च है 90% से ज़्यादा जो इंडिया का रिसर्च है सारा वहाँ हुआ। इतनी डाइवर्सिटी थी, आज डाइवर्सिटी नहीं है, ज़ीरो डाइवर्सिटी है। वहाँ म्यूज़िक नहीं है, आर्ट नहीं है, लिटरेचर नहीं, खाने में डाइवर्सिटी नहीं है। मैंने खाने के बारे में एक ट्वीट किया था, मैं वेजिटेरियन हूँ तो नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा भाई अब नया जो कश्मीर बन रहा है इसमें वेजिटेरियन खाना भी मिलना चाहिए, तो उन्होंने फतवा इशू कर दिया मेरे नाम पे। उन्होंने कहा आप कौन होते हैं हमारे खाने के बारे में बोलने वाले, और अल्टीमेटली 20-30 सिक्योरिटी के साथ हमें कश्मीर से वापस आना पड़ा। तो ना डाइवर्सिटी है, कुछ भी नहीं है। ये जो फिल्म है जैसा आप सोच रहे होंगे शायद वैसी ना निकले, क्योंकि ये फिल्म एक बहुत ही अलग तरह के थॉट की है और ये इस बात पे एम्फेसिस देती है कि आप आपसी मतभेदों के साथ रह सकते हैं, आप झगड़ा करके मारपीट करके भी साथ में रह सकते हैं। कितने लोग हैं पड़ोसियों के झगड़े हो जाते हैं, आप दिल्ली में, तो मैं रहता था तो 24 घंटे में देखता था ऊपर नीचे फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर में बरसाती वालों का ग्राउंड फ्लोर से झगड़ा होता, फिर 2-4 घंटे के बाद फिर हो जाते थे, फिर साथ में लोहड़ी का त्यौहार और कोई साथ में मनाते थे वो सब, क्योंकि फिर साथ में जैसे गाना गाने लगे अंताक्षरी हुई, एक फिर से दोस्त हो गए, आपकी शादी हुई मैं चला गया फिर दोस्त हो गए। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक खालीपन वीरावान सा है, और हम लोग भी जो जाते हैं, हम जाते हैं डल लेक पे सेल्फी खींचते हैं, गुलमर्ग में वापस चले आते हैं, हमें कुछ पता चलता नहीं है। यानी डाइवर्सिटी एक बहुत ही देखिए डेंजरस सिचुएशन ये है कि मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद ही किसी रिलीजन पे ज़्यादा नहीं मानता। मैं गर्व से एक हिंदू कल्चर, हिंदू फिलॉसफी, क्योंकि बचपन से मैंने देखा है, सीखा है, और वो मुझे जीने का एक सहारा देती है। लेकिन आप क्या प्रैक्टिस करते हैं क्या नहीं करते हैं, मैं उसकी उतना आदर करता हूँ, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। और मैं जानता हूँ कि मुझसे अलग लोग इस दुनिया में रहते हैं, यही तो सारे विश्व के इंसानों का नेचर है, सब जानते हैं कि अलग विचार के, अलग फेथ के लोग हैं। हम एक शूटिंग कर रहे थे तो पल्लवी एक शिकारा में बैठी हुई थी और छोटी एक दो बच्चियों को हमने बुलाया था, 8-9 साल, 7-9 साल की, जो ज़्यादा जानती नहीं है, बहुत ही इनोसेंट बच्चियाँ, वो पल्लवी के दोनों तरफ बैठी थी। तो हम कैमरा वैमरा जब शिफ्ट कर रहे थे, उदय जी हमारे DOP सर हैं यहाँ पे, और तो वो एक बच्ची शायद 1 बजा होगा दोपहर का, नमाज का टाइम था, पल्लवी से उसने बोला आप नमाज पढ़ने नहीं जाएंगी, तो पल्लवी ने बोला नहीं मैं तो नहीं जाऊँगी, तो कह क्यों नहीं जाएंगी आप नमाज पढ़ने, पल्लवी ने कहा इसलिए क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो कहने लगी अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप कहीं नहीं जाती हैं नमाज पढ़ने, पल्लवी ने कहा नहीं देखो ऐसा है मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ। कहने लगी तो क्या हुआ, नमाज तो हर कोई पढ़ता है। एक 8-9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, दुनिया में कोई भी बच्चा हो इस बात को जानता है कि अलग अलग फेथ के लोग होते हैं, पर कश्मीर में 1990 के बाद जो पैदा हुए हैं लोग, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है इस बात का कि दुनिया में डाइवर्सिटी नाम की चीज़ है। इसका भारत और कश्मीर और पाकिस्तान से कुछ लेना देना ही नहीं है। आप एक पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो इतनी इग्नोरेंस के साथ बड़ी हो रही है। मेरा जो ड्राइवर था टैक्सी का, वो लाल रंग के जूते पहनता था, तो मैंने उससे एक दिन शूटिंग के दौरान यही पूछा, वो बड़े अजीब से लंबे लंबे रेड बूट्स थे, तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगते थे चमकते हुए लाल, तो मैंने उससे ऐसे ही चढ़ाते हुए बोला क्यों भाई बड़े अच्छे जूते पहन रखे हैं, कहाँ थाईलैंड से लाए हो, फॉरेन से लाए हो? कहता हाँ। तो मैं सोचा शायद थाईलैंड का नाम लेगा, 20-25 हज़ार रुपये के टिकट में कोई भी चला जाता है आजकल थाईलैंड वगैरह, तो मैंने बोला थाईलैंड से, वो बोला नहीं दिल्ली से, इंडिया में नहीं बोला उसने, दिल्ली से। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, थोड़ी तो मैं भी समझ रखता हूँ इंसान की, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ उसने जिस इनोसेंस से बोला था उसको आइडिया ही नहीं था इस बात का कि वो जो कह रहा है वो गलत है। तो ये जो हमने क्रिएट कर दिया, ये फिल्म यही आपको बताएगी कि क्या होता है जब आप एक सोल को ख़त्म कर दें, कल्चर को, आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दें, तो वो किसका लॉस है? क्या वो कश्मीर का लॉस है, क्या वो हिंदू मुस्लिम का लॉस है, क्या वो भारत का लॉस है, या पूरी ह्यूमैनिटी का है? अगर कोई आज सिलिकॉन वैली को जाकर डिस्ट्रॉय कर दे तो वो किसका लॉस है? वो आपका और हमारा भी तो लॉस है। लेकिन हम तब तक उसको अपना लॉस और डेंजर नहीं समझते जब तक वो गोरेगांव या बोरीवली तक आके वो खड़ा ना हो जाए आपके सामने, या दिल्ली में गुड़गांव या फरीदाबाद तक ना आ जाए। हमारे तो किसी और का प्रॉब्लम है, देख लेंगे। पर ये फिल्म देखने के बाद अपने जीवन में मैं गारंटी करता हूँ आप कभी ऐसा नहीं सोच पाएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड बिफोर यू सी दिस फिल्म।
विवेक सर, प्रियंका सिंह दैनिक जागरण से। जब आप रिसर्च कर रहे थे फिल्म के लिए, आपने कहा था कि बतौर फिल्म मेकर मुझ में एक बदलाव आएगा, और अभी थोड़ी देर पहले भी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया अपने लिए, अपना नाम आपने कहा विवेक अग्निहोत्री 2.0 वर्जन। तो क्या बदलाव है पहले विवेक अग्निहोत्री में और 2.0 वर्जन जो है, दोनों में क्या बड़ा बदलाव एक हुआ है? आप, मैं, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ट्विटर में जाइए और जिस डेट को मैंने इसका रिसर्च शुरू किया था उस डेट के पहले मुझे देखिए, उसके बाद देखिए, सारा ये क्रिएटिव कॉन्शियसनेस, सुबह स्पिरिचुअलिटी की बात उसी के बाद सारी शुरू हुई है। पर एक जो बदलाव मैं, मेरे में, पल्लवी में, हमारे दोनों बच्चों में जो आया, क्योंकि हमारे दोनों बच्चों को हमने इसलिए इन्वॉल्व किया था, ट्रूथ कितना भी ज़्यादा कड़वा हो, कुछ हो, यही उम्र है 18-19 साल की जब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि क्या होता है जब ह्यूमैनिटी नहीं होती है। मेरा विश्वास कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा बढ़ गया है, मुझे समझ में आ गया है वही सोसाइटी सबसे ज़्यादा सुखी है जहाँ पे डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्सिटी जहाँ पे है। आज भारत, सब कहते हैं 5000 साल से वी हैव सर्वाइव्ड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, क्यों है? क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी दुनिया में कहीं भी नहीं है जितनी हमारे यहाँ। तो मेरा विश्वास डाइवर्सिटी पर बढ़ गया है, और मुझे एक बात तो ज़रूर समझ में आ गई है कि हम ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जिस ह्यूमैनिटी की हम बात करते नहीं देखी, मैंने कभी नहीं देखा कि एक भी दिन ऐसा विश्व में कभी हुआ हो जब जहाँ पे युद्ध नहीं हो रहा हो। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि लोग जो हैं दूसरे ह्यूमन बीइंग को ख़त्म करने की कोशिश ना कर रहे हो। तो वो जिस ह्यूमैनिटी की एक आदर्श कल्पना है, मैंने वो नहीं देखी। लेकिन एक कश्मीर का रिसर्च करने के बाद मैंने ये ज़रूर देखा कि जब ह्यूमैनिटी नहीं होती है, जब इनह्यूमैनिटी होती है, तब क्या होता है? आप, बड़ा सटल डिफरेंस है, मतलब कुछ अच्छा होगा तो क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है जब बुराई सेट इन करती है तब क्या होता है। और वो इतना बड़ा विनाश है जो धीरे धीरे हम सबके चारों तरफ आता जा रहा है, आता जा रहा है, पर हमें एहसास नहीं हो रहा। आपको भी नहीं पता किस तरह आपके आसपास कल्चर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, चेंज हो रहा है, पर हमें नहीं पता है क्योंकि हमारे घर के अंदर नहीं घुसा है, और शायद घुस भी गया हमें एहसास नहीं है। पर ये फिल्म देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हम लोग कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ गुजर रहे हैं। एक और सवाल है मेरा आपसे, शिया समुदाय नाराज़ है क्योंकि उनको लगता है कि आपने आयातोला खुमैनी का जो 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 तस्वीर है वो आपने आतंकवाद के साथ जोड़कर दिखाई है। उनकी मांग है कहीं ना कहीं कि उस दृश्य को निकाला जाए। सर, आपका क्या कहना है कि आप निकालना चाहेंगे या वो ज़रूरी है दिखाना या रखना चाहेंगे, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, ये लीगल नोटिसेज हैं, इनका कायदे से मेरे को कुछ बोलना नहीं चाहिए, ये लीगल मैटर्स हैं, तो इसका लीगल जवाब ही जाएगा प्रोड्यूसर्स की तरफ से। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि दुनिया के किसी भी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में, किसी भी महफिल में, किसी भी फोरम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैं इस फिल्म के एक एक शॉट, उस शॉट के अंदर जो भी दर्शाया गया है, एक एक डायलॉग, एक एक कैरेक्टर कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले लेने को तैयार हूँ। दुनिया के किसी भी फोरम, प्लेटफॉर्म, कोर्ट में मैं एक एक चीज, एक नहीं बल्कि 100-100 विजुअल रेफरेंसेस, डायलॉग रेफरेंसेस, वीडियोस के साथ साबित कर सकता हूँ। इसलिए उंगलियाँ तो बहुत लोग उठाएंगे, क्योंकि सबका जो दुकानें चल रही थी हिंदुस्तान में इतने सालों से, सबकी वो थोड़ा उन पर भी चैलेंज होता है, उन वो भी एक्सपोज होते हैं, तो उंगलियां उठेंगी। मुझे उससे कोई, इतनी जब फतवों जैसी लड़ाइयां लड़ सकते हैं तो फिर 10-12-15 लीगल केसेस तो लड़ ही सकते हैं। अभी तक सिर्फ अमेरिका के पॉलिटिशियंस ने देखी है, डेमोक्रेट्स ने भी देखी है और रिपब्लिकन्स ने भी देखी है। इंडिया में मैंने जानबूझ के किसी पॉलिटिशियन को दिखाई नहीं और दिखाना भी नहीं चाहता हूँ, और शायद एक मेरा मकसद यही था अमेरिका में पहले दिखाने के, क्योंकि इंडिया में दिखाता तो वो अननेसेसरली पॉलिटिकल लेवल पे फिल्म फंस जाती, या आई वांटेड इट टू बी सीन एज अ फिल्म। खेर साहब बार बार कहते हैं कि भाई ये एक फिल्म पहले है, बाद में कुछ और है, तो इसको एक फिल्म के नज़रिए से पहले देखें। अभी तक किसी को नहीं दिखाई और शायद दिखाएंगे हम, मैं तो नहीं दिखाने वाला हूँ, खुद देख लें तो लोग देख लें। खैर साहब
Before that, I want to say that just because the film is based on true events and research does not mean that it was easy to direct and write this film. Uske liye you need to be a brilliant director and brilliant writer. So, बहुत सारी फिल्में आप आजकल तो 80% फिल्मों में पहले आ जाता है सत्य पर आधारित फिल्म तो उसका उसके बाद बुरा आप बोलते हैं कि बकवास फिल्म है तो ज़रूरी नहीं कि सत्य पर आधारित जो फिल्म है वो बहुत कमाल की ही होगी भाई तो इसलिए जहाँ तक मेरी बात है कि इतना इन्होंने रिसर्च किया था दैट आई वॉज मैसमराइज एंड वेरी इम्प्रेस्ड और उसका नतीजा ये है कि आप ये जब न्यूयॉर्क में जो मेरा एक उन्होंने इंटरव्यू किया और न्यूयॉर्क में मुझसे इंटरव्यू करने ही आए थे because I belong to the same community. Main aur Bhasha are the only two people who sort of kept hugging each other after every shot because she plays my daughter-in-law and Darshan plays my grandson. But mera aur Bhasha ka hum ek dusre ka ek silent exchange of expressions jata tha ki ye sach hai. ये जो भी दिखाई दे रहा है ये सच है मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में हुआ वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो मामा थे मेरे मदर के छोटे भाई और मेरी माँ बार बार इसका जिक्र करती है उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ के वो ओवरसियर थे वहाँ पर और ओवरसियर को क्या बोलते हैं नॉर्मली ओवरसियर ही बोलते हैं हाँ तो बिकॉज ओवरसील इज़ अ वेरी टिपिकल स्मॉल टाउन वर्ड तो वो इंजीनियर से जो छोटे होते हैं उनको ओवरसील बोलते हैं तो उन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे कमा के उनका एक सपना था कि कश्मीर में श्रीनगर में अपना एक घर बनाएंगे तो उन्होंने वो घर जैसे तैसे 86, 85, 87 में बना लिया और बड़े खुश थे कि अपना उनका एक घर था और जैसे ही उन्होंने घर बनाया उसके कुछ 6-7 महीने बाद ये थ्रेट्स आनी शुरू हो गई कि आप निकलो यहाँ से एंड फिर ऐसी थ्रेट्स आई कि भाई हमारे हमने आपके पड़ोसी को मार दिया है उसकी लाश वहाँ पड़ी है अब अगर आप अगले कुछ दिनों में नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर आपकी लाश किसी और के घर पर होगी सो एक रात को एक फिएट गाड़ी में जितना सामान वो डाल सकते थे जिंदगी भर की पूंजी एक फिएट गाड़ी में 4 उनके खुद के अपने सदस्य थे बेटा बेटी उनकी बीवी और वो वहाँ से निकल गए और दिल्ली में जाकर कहीं वो सेटल हो गए और उनका सदमा उनको इतना गहरा पड़ा कि ही डाइड आफ्टर फ्यू कपल ऑफ इयर्स और 3 ईयर्स एंड सो दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन जैसे जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं आप उनको उस जगह की आबो हवा से उस जगह की खुशबू से उस जगह के वातावरण से उस जगह की आदतों से वहाँ से निकालते हैं मेरे दादाजी का छोटा सा एक मंदिर था 3rd फ्लोर पे मिट्टी का घर था और वहाँ पर उनकी वो जो अगरबत्ती रोज़ जलाते थे तो उसकी एक खुशबू थी अब वो खुशबू टेंट में तो नहीं आ सकती है या किसी जम्मू के घर में या पूना के घर में या दिल्ली के घर में तो नहीं आ सकती है हम होटल में 5-स्टार होटल में रहते हैं बहुत बहुत दिनों तक लगता है यार अभी घर जाके अपने बिस्तर पे सोना है हम अमेरिका जाते हैं या आप कहीं और जाते हैं हम कहते हैं चलो यार इंडियन खाना खाते हैं सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू माई मदर व्हेन शी सॉ दिस फिल्म शी डिडंट स्पीक टू एनीबडी फॉर 2 डेज दो दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की क्योंकि उनकी पूरी मेमरीज वापस जो हैं वो रिवाइव हुई और उन्होंने कहा क्यों दिखाई तूने मेरे को ये फिल्म मेरी सारी मेमोरीज वापस हो गई हैं आ गई हैं या आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ क्या हम वापस जा सकेंगे मेरा बड़ा दिल है वापस जाने का सो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो इस डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा उनके साथ क्या महसूस किया होगा उन्होंने सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स बार बार काफ़ी लोग बोल रहे हैं आँखें नम है आई थिंक इसका सदमा जो है ना इसकी तकलीफ जो है वो आत्मा तक गई है कश्मीर में आज आप जाओ मुझे याद है जब बचपन में मैं जाता था तो निषाद गार्डन जाते थे शालीमार जाते थे पिकनिक पे जाते थे तुलमुल खीर भवानी टेम्पल जाते थे वहाँ की नदियों में घूमते थे हंदवारा सोपोर ये सब जगहें हैं वहाँ की अब कश्मीर की आत्मा जो है वो घायल है अब वहाँ बाब्ड वायर्स नज़र आती हैं सुनसान इलाका है कुछ अजीब सा वातावरण है
So this film will not only revive those memories for millions of people, पर शायद कुछ लोगों के घाव भी भरेंगे. एंड वी आर ऑल गिल्टी ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट इट फॉर 32 इयर्स. खैर साहब, या हाँ जी पन्नू साहब, आमतौर पे जब कोई आर्टिस्ट आउटडोर पे जाता है तो उसके बारे में हम पूछते हैं तो उनका जवाब अमूमन यही होता है कि इट वाज लाइक ए पिकनिक. यहाँ आपका आउटडोर का अनुभव कैसा रहा था? इट वाज एनीथिंग बट ए पिकनिक. एक तो छोटे बजट की फिल्म थी तो पिकनिक का एहसास नहीं हो रहा था क्योंकि कुछ भी मंगा लो खाने में एक बजट था बट अच्छा था, मतलब खुश थे हम, अच्छा खाना मिलता था और रहने को भी इंतज़ाम अच्छे ही थे. बट एक जुनून जब होता ना किसी चीज़ का, जैसे आप जब कभी अच्छी स्टोरी करते हैं या अच्छा आर्टिकल लिखते हैं तो उसका एक अपना एक फोकस होता है. तो वी न्यू दैट दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट. इसमें क्योंकि इसमें किसी की भी कोई फॉल्सनेस नहीं हो सकती थी कि अब मैं एक्टिंग की एक्टिंग करता हूँ. बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो एक्टिंग की एक्टिंग करते हैं कि मुझे बड़ा दुख हुआ. इसमें दुख सिर्फ बोलने से या आंखें छोटी करने से या गिल्सरिन डालने से नहीं हो सकता था. इसमें जब तक आप उस जज्बात को महसूस ना करो और अपनी आत्मा से एक्टिंग ना करो तब तक वो आप तक वो बात पहुँच ही नहीं सकती. वो बड़ा अच्छा एक डायलॉग है सलीम साहब की, सच्चाई वो दिया है जिसको अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दी जाए तो बेशक रोशनी कम करता लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है. सो आई थिंक दैट इज व्हाट. तो उसमें हम सबका एक ग्रुप बन गया था कि वी आर पोर्ट्रेइंग समथिंग विच इज ट्रू, अनलेस वी फील इट इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड. तो वो एक बॉन्डिंग थी. वो 15 दिन 20 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं था, पता ही नहीं चला. और हर शॉट के बाद मैं और विवेक रोते थे. हर शॉट के बाद विवेक आके मुझे गले लगाता था बिकॉज जो इसने महसूस किया था वो इंटरव्यूज के दौरान अब वो उसको पर्दे पर देखता हुआ नजर आ रहा था. शायद पल्लवी के ही सीन्स में वो रोए नहीं. बाकी आई थिंक इवन व्हेन वी डिड अ सीन टुगेदर ये गले लगा के बहुत फपक फपक के रोए थे. मैं और भाषा तो हर शॉट में रोते थे. सो रोते मतलब थे कि हम तो एक्टिंग कर रहे हैं, अब इसके बाद हम अपने 5-स्टार होटल में जाएंगे और ऑर्डर करेंगे कि एक गर्म पानी लेकर आओ और छोटा सा लेकर आओ या कुछ भी है. बट पीपल हु मस्ट हैव एक्चुअली गॉन थ्रू दैट, हाउ कैन यू, दे वर कम्प्लीटली डेवस्टेटेड, फिनिश्ड. उस थॉट से ही घबराहट होती थी. तो दिस वॉज एन इमोशनल जर्नी विच विल स्टे विद अस फॉर मेनी ईयर्स टू कम. थैंक यू विवेक जी. पहले तो जैसा कि फिल्म है वो समाज का आईना होती है, आपको क्या लगता है इस फिल्म के बाद, जैसे आप खुद पल्लवी जी और आप बोल रहे हैं कि जब आप रिसर्च करने गए और लोगों से उनके बारे में बात करना शुरू किया तो आपको बहुत सारी सच्चाइयों का पता चला जो कि बहुत हृदय विदारक हैं, क्या ये जब फिल्म आएगी समाज में या लोगों में अवेयरनेस के बाद थोड़ा सा बदलाव होगा, खासकर कश्मीर के लोगों में जिन्होंने जिनकी वजह से, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से जैसे कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए वहाँ पर. दूसरा, आपको डर नहीं लगा धमकियों से या किसी और चीज़ से जब आपको, और ऑब्वियसली मिली भी होंगी जहाँ तक मुझे पता है? नहीं, देखिए देखिए डर जो है, जब तक आदमी डरता है तभी तक लोग उसे डराते हैं. ये मेरे जीवन का अनुभव है. आपके जीवन का अनुभव कुछ और होगा, पर मेरा ये अनुभव है कि जब तक आप समझिए अकेले जा रहे हैं गली में और कई सारे आप देखेंगे द डॉग्स कम और वो आप पे भौंकते हैं और जितना आप डरेंगे उतना वो आगे आके आपको डराते हैं. और हम सबसे बड़ी गलती जीवन में यही करते हैं कि हम डर के पीछे चले जाते हैं. और ख़ासतौर पे क्रिएटिव आर्ट्स में मैंने देखा है एक ऐसा कुछ बन गया हमारे यहाँ. हम लोगों ने, आई थिंक वी आर द ओनली सोसाइटी, मैंने तो कहीं और ऐसा देखा नहीं किसी और सिनेमा में, हमने डाकुओं को बहुत ग्लोरीफाई किया. अगर आपको याद हो 60-70 के दशक में हम लोग कुछ भी, और डाकू की फिल्म है मतलब वो अच्छा आदमी होगा और बंदूक उसने किसी उसे ऑपरेस किया था इसलिए उठाया था, क्योंकि उस वक्त इप्टा के लोग थे, एक थॉट प्रोसेस थी. लेकिन डाकू तो कभी अच्छा हुआ नहीं, कोई अच्छे डाकू का कोई एग्जाम्पल भी नहीं है इस दुनिया में. फिर हम लोगों ने स्मगलर्स को
ग्लोरीफाई करना शुरू किया, जस्टिफाई करना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। देखिए उन फिल्मों की स्पेस है, ये ना समझिए कि मैं उन फिल्मों के बारे में कमेंट करूँ, लेकिन हमने ऐसा किया, हम लोगों ने उन्हें ग्लोरीफाई किया, जस्टिफाई किया, एक बड़े क्रूड तरीके से भी किया। फिर हमने नक्सल लोगों को जस्टिफाई करना शुरू किया, हमने कहा कि नक्सल आदमी इसलिए बनता है कि उस पर अत्याचार होता है, लेकिन हर रोज आप पेपर पढ़ते ही नहीं, हर रोज दो तीन किस्से मिलेंगे, उन्होंने स्कूल जला दिए, हॉस्पिटल जला दिए, सड़कें तोड़ दी, 6 महीने के बच्चे का हथौड़े से सर फोड़ दिया, ये रोज के किस्से, उसके बारे में कभी कोई फिल्म नहीं बनाता। तो और फिर हमने टेररिस्ट लोगों को, ऐसा नहीं है फिल्में नहीं बनी हैं कश्मीर के ऊपर या कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, कितनी बनी है, कोई कमी कितनी, बड़े बड़े स्टार्स ने काम किया उनमें, ऋतिक रोशन ने किया मिशन कश्मीर में, और बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, छोटी भी नहीं बनी हैं, आप देखिए लव स्टोरीज बनी हैं, कश्मीर की कली में उस वक्त इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली प्रॉब्लम पे कॉन्फ्लिक्ट पे बहुत बनी है। और कम से कम 15-20 फिल्मों मैंने रिसर्च किया, 15-20 फिल्में तो मैं जानता हूँ बाई नेम, जो आप नहीं जानते होंगे, बहुत सारे कुछ इंग्लिश में बन गई, कुछ छोटी मोटी बन गई, कुछ फेस्टिवल में चली गई, लेकिन ये जो 15-20 फिल्में जो मैंने देखी रिसर्च के दौरान, वो सारी फिल्में एक ही बात कहती थी कि आर्मी जो है लोगों का रेप करती है, उनको मारती है, इसलिए सारे ये लोग जो हैं बंदूक उठाते हैं और टेररिज्म को जस्टिफाई कर रही थी। वर्ल्ड की कोई सिविलाइज कंट्री आज की तारीख में टॉलरेट नहीं कर सकती है कि आप टेररिज्म को फिल्मों में जस्टिफाई करें। एक फिल्म का नाम बता दीजिए आप मुझे, मैं चैलेंज करता हूं, आप मुझे एक फिल्म का नाम बता दीजिए जहां पर टेररिज्म को ग्लोरीफाई किया हो। और ये एक बड़ी समस्या थी, और इस समस्या के कारण देखिए फिल्में कितना बड़ा सॉफ्ट पावर है, या तो वो पॉजिटिवली यूज हो सकती हैं या नेगेटिवली यूज हो सकती हैं, या तो अपने देश की समस्याओं को दुनिया को समझाने के काम आ सकती हैं, या उन समस्याओं को और उलझा के देश को बदनाम करने के काम आ सकती हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोरियन सिनेमा में टेररिस्ट लोग को जस्टिफाई करें, या अमेरिकन सिनेमा में उनको जस्टिफाई करें, या जर्मनी या इटली या टर्की, जो कंट्रीज खुद पीड़ित हैं इस चीज़ों से, जो पीड़ित हैं टेररिज्म से, क्या वो देश के लोग कभी टेररिज्म को जस्टिफाई कर सकते हैं? संभव ही नहीं है, कोई भी इंसान कैसे कर सकता है? हमारे देश में किया गया, खुलेआम किया गया, उनको अवार्ड भी मिले, नेशनल अवार्ड भी मिले, और उनको सर आंखों पे भी चढ़ाया गया उन फिल्मों को, तो मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है, और एक जेन्युइन सवाल है, आप मेरी आवाज से पहचान सकते हैं सवाल कितना जेन्युइन है, वो ये है कि एक फिल्म अगर कश्मीर जेनोसाइड पे बनती है तो उसको रोकने की इतनी सारी क्या कोशिश, क्यों नहीं उसको मेन स्ट्रीम मीडिया का सपोर्ट मिलता है उसी तरह से, क्यों नहीं उसके बारे में चर्चा करने का मौका मिलता है? और उसके बारे में अगर हम कुछ बोलते हैं तो लोग, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में था, 10-12 दिन पहले, वहाँ पे किसी जर्नलिस्ट से मुलाकात हुई, और उन्होंने बोला कि अच्छा कश्मीर फाइल्स बना रहे हैं, उन पढ़ते हैं उसके बारे में। उन्होंने खोला NDTV का पेज, NDTV के पेज में 6 महीने पहले वो पेज बनाया गया था, हिंदुस्तान में मेरे अलावा और चंद टेक्नीशियंस और एक्टर के अलावा किसी ने ये फिल्म नहीं देखी है, और उसमें लिखा हुआ था कश्मीर फाइल्स इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म। इसलिए खुल के बोल रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन में है। उसके ऊपर ऑप इंडिया ने एक एक्सपोजे किया, और जब उन्होंने एक्सपोजे किया तो NDTV ने चोरी से, चुपके से, बिना अपॉलोजी मांगे हुए उस वर्ड को डिलीट कर दिया, और सिर्फ लिख दिया कि इट्स अ फिल्म बाय विवेक रंजन अग्निहोत्री। तो अगर वो पहले सच लिख रहे थे तो अभी हटाया क्यों? अगर हटाया मतलब वो खुद प्रोपेगेंडा कर रहे थे, isn't it? फिल्म इंडस्ट्री के भी जो टॉप एंटरटेनमेंट, जो अपने को एंटरटेनमेंट लीडर्स मानते हैं, जब इस फिल्म का ट्रेलर आया और दुनिया का हर आदमी इस ट्रेलर के बारे में बात करने लगा, पाकिस्तानी लोग रोने लगे जब ट्रेलर देख देख के, तो उन लोगों को मजबूरी में, क्योंकि कश्मीर फाइल्स का नाम लिखो तो SEO मतलब आपको ज्यादा वेबसाइट में फुट ट्रैफिक मिलता है, तो इसलिए उन्होंने कश्मीर फाइल्स का यूज तो किया नाम, कि द कश्मीर फाइल्स ट्रेलर इज आउट बट प्लीज रीड हाउ वी हैड रिव्यूड हिज लास्ट फिल्म द ताशकंद फाइल्स, और उसमें लिखा था ताशकंद फाइल्स वॉज अ सेकेंड हैंड सेकेंड ग्रेट फिल्म ऑफ अ थर्ड रेट पॉलिटिक्स। उस फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड मिले, 100 दिन चलती रही। आप किसी से भी सड़क पर बात कर लीजिए ताशकंद फाइल्स के बारे में, मैं ओपनली कहता हूँ, किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए, अपने माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी से पूछ लीजिए, वो बता देंगे वो फिल्म कैसी थी। मुझे इससे भी आपत्ति नहीं है कि सेकेंड ग्रेड बोलें, थर्ड ग्रेड बोलें, लेकिन कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर में 3 साल पुराना रिव्यू, तो यह सवाल अपने कॉन्शियंस से पूछिए कि जब टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करना करते हैं फिल्मों में, और एक झूठ नैरेटिव जब हम क्रिएट करते हैं, तब तो खूब उसको ग्लोरीफाई और सेलिब्रेशन होता है, जैसे कि हमने सिनेमा की और समाज की ऐसी कोई फिल्म बना दी है, लेकिन एक फिल्म
आपको इसीलिए मैंने वो 20 मिनट का रिव्यू दिखाया, क्योंकि मेरी बात हमारी बात आप ही के जरिए पहुंचेगी, और कौन ले जाएगा? सिर्फ इसलिए दिखाया, आप देखिए उसके पीछे हमने क्या क्या सच है, क्या मेहनत है, क्या ऑथेंटिसिटी है इस फिल्म की। पर दुख की बात यह है कि इसके लिए इतनी जद्दोजहद, इतना स्ट्रगल, अपने माँ बाप अपने भाई बहन की सच्ची कहानी सुनाने के लिए अपने देश में हमको, मुझको स्पेशली इस तरह से आउटकास्ट किया जाता है, ये देश के कॉन्शियंस की बात है। ये हमको सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे कब हो गए, हम दिल से तो ऐसे नहीं है, तो ये कैसे हो गया, हम किस सिस्टम में बंद गए कि हमको झूठ मूठ में आज उस टेररिज्म को जिसने लाखों लोगों को मारा है, जिसमें 19 जर्नलिस्ट तो अभी मारे गए पिछले कुछ वर्षों में, जर्नलिस्ट लोग, पर हम चुप बैठे रहते हैं। चलिए मैं एक चीज हमारी मिस हो गई इस फिल्म को बनाने में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो तीन चीजें मिस हो गई, क्योंकि जनरली एक सिस्टम है कि डायरेक्टर और एक्टर्स को बैठा देते हैं स्टेज में, पर दो तीन मिस हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस फिल्म पे जब किसी को भरोसा नहीं था, जिस वक्त किसी को नहीं था, कौन, सब कह रहे थे कि ये फिल्म तो बनेगी नहीं, तो उसके पहले ही तुम्हें मार डालेंगे, ये फिल्म कैसे बन सकती है, इसको कोई रिलीज नहीं करेगा, अरे इस फिल्म पे क्यों पैसे लगाने, जब किसी को भरोसा नहीं था, तब एक व्यक्ति हैदराबाद से, ही सेड विवेक जी आपको जो बनाना है बनाओ, एंड ही इज अ वेरी बिग प्रोड्यूसर इन तेलुगु सिनेमा, ही सेड जो बनाना है बनाओ, मुझे कुछ जानना भी नहीं है, ब्लाइंडली आई एम सपोर्टिंग योर फिल्म। अभिषेक अग्रवाल जी यहाँ पे हैं, आइए सर। और ये ऐसे कपड़े इसलिए पहने, इन्हें 40 दिन की मन्नत मांगी है, जमीन में सोते हैं, वरना बड़े खूबसूरत कपड़े पहनते हैं ये बहुत अच्छे। तो इसका भी एंगल डालेंगे, भगवे ने बनाया। तो और इस फिल्म की जो शूटिंग थी, इतने कम पैसे में इतना बड़ा ग्रैंडियर क्रिएट करना इज इम्पॉसिबल। जो काम किया एक बहुत ही यंग फ्रेश डीओपी ने, मैं उदय सिंह मोहिते, ब्रिलियंट वर्क ही हैज डन, आपने देखा होगा, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। और वो जो पूरी डल लेक फ्रीज हो गई थी, उसमें छोटे 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 थोड़े से रास्ता बना के जाते हैं छोटे से शिकारा में, बहुत डेंजरस भी लगता है, सब होता है। और जब ये बैठे कैमरा लेके, तो तभी इनको वो शिकारे वाले ने बोला कि साहब आज सुबह ही कोई गिर के अंदर मर चुका है, पर उसके बावजूद ये लगे रहे। तीसरी चीज़ इस फिल्म की, जो एक चीज़ थी, जब ये फिल्म बन गई, मैं ज़्यादा बहुत म्यूज़िक करना नहीं चाहता था इस फिल्म में, मुझे लगा म्यूज़िक करूँगा तो ये टिपिकल फिल्म जैसी डिस्टर्ब करेगी लोगों को। तो उस वक्त हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे रोहित शर्मा, मैंने उनसे एक ही बात बोली, क्या ये संभव है कि साइलेंस को म्यूज़िक की तरह यूज़ कर सकें? तब रोहित शर्मा यहाँ पे हैं, बहुत ब्रिलियंट म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, इन्होंने इस फिल्म का म्यूज़िक बुडापेस्ट में कैसे रिकॉर्ड किया, और आप सुन रहे होंगे जो आप जो म्यूज़िक उसमें सोलो चेलोज वगैरह सुन रहे हैं, वो सिर्फ म्यूज़िक सुन के ही आप दर्द से आपका दिल भर जाएगा। सो एंड काली जी इज़ हियर, ही इज़ विद अभिषेक अग्रवाल जी के एकदम लेफ्ट हैंड मैन है, और यही सूत्रधार भी हैं इस कहानी के। तो बाकी चिन्मय जी शूट कर रहे हैं, पल्लवी ने जब मुझसे बोला चिन्मय मंडलेकर को जो रोल कर रहा, आप समझ गए होंगे किसके ऊपर बेस्ड है, कहा कि इस रोल के लिए उसको ले लो, मैंने कहा अरे पागल हो गई हो, मराठी एक्सेंट में वो कश्मीरी बोलेगा, लेकिन आप जो फिल्म देखेंगे यू विल बी ब्लोन अप, बहुत अच्छा उनने काम किया है। मिठुंदा यहाँ पे नहीं है, मिठुंदा जैसे जैसे एज होते जा रहे हैं, वाइन की तरह से बिल्कुल वैसे ही होते जा रहे हैं, एक बहुत ही प्रेशियस लेजेंडरी वाइन बनते जा रहे हैं, पर उनने जिस इस रोल के लिए एक डेढ़ साल जितना चलता रहा कोविड, उसमें दाढ़ी बढ़ा के रखी, और जिस तरह से वो चले हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज और जिस रोल उनने किया, बहुत ही काबिले तारीफ है। और किसी को मिस, मृणाल एंड प्रकाश बेलावड़े जी यहाँ पे नहीं है, वो बेंगलोर में रहते हैं, मृणाल शूटिंग कर रही हैं, ये हमारी टीम है। आई थिंक एवरीबडी, और ऑल्सो इस फिल्म में जितने भी क्राउड के सीन्स हैं, उसमें एक्चुअल कश्मीरी पंडित्स थे जो देहरादून में सब जगह, मतलब देहरादून में और मसूरी में और बहुत सारे लोगों में उन्होंने काम किया। आई थिंक और एक और हाईलाइट मैं बता दूं, मैंने आज के ज़माने में ऐसा होता भी नहीं है, लोग सुनना पता नहीं, वो ये कि कुछ कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि जो सेकेंडरी कास्टिंग होती है वो लोकली होती है, कि आप जब वहाँ जाते हैं तो करते हैं जो चार डायलॉग वाले, तीन डायलॉग वाले, दो डायलॉग वाले, इसमें कुछ ऐसा पता नहीं कैसे ईश्वर की लीला, ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि जितने मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं
उसके लिए सारे हिंदुओं की कास्टिंग हो गई, ऐसा कोई डेलिब्रेट नहीं था, ये मत सोचिए हमने ऐसा सोच के किया। और जितने हिंदू कैरेक्टर्स थे उसमें मुस्लिमों की कास्टिंग हो गई। जो छोटा बच्चा कृष्णा है इस फिल्म के अंदर, एक्चुअली वो अस्मा एक छोटी लड़की है जो, हाँ आयशा, सॉरी आयशा, एक मुस्लिम लड़की है। और जो जो हिंदू फैमिली भाषा के हस्बैंड वगैरह जो बने हैं सारे, वो सारे मुस्लिम लोग हैं। और इनके जो नेबर्स जो मुस्लिम बने हुए हैं वो सारे हिंदू लोग थे। तो कुछ ऐसा माहौल फिल्म के अंदर बन गया कि कहीं ना कहीं वो सच्चाई जब ऑपोजिट उससे आती है तो वो ज़्यादा रियल हो जाती है। दैट्स व्हाट वी डिड। सो दिस इज वेयर मैं तो सुन रहा था बड़े सवाल पूछते हैं लोग आज। विवेक जी, विवेक जी, आई वुड लाइक टू टेल यू। या 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 कोमल जी, कोमल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी जी, हेलो हेलो। आप जो कह रहे थे ना कि शुरू में आपने कहा कि आई डोंट नो विल गेट लेस स्क्रीन्स, या एटलीस्ट दैट इज माय फीलिंग, आई डोंट थिंक आई विल बी रॉन्ग। आप लोगों को बहुत अच्छे शोज मिलेंगे, एक तो ताशकंद फाइल्स जो आपकी 10-10, 12-12 वीक्स चली, सेकंडली आपके ट्रेलर की इतनी तारीफ हो रही है, एंड ये जो 20 मिनट दिखाए हैं, यू विल बी सरप्राइज योरसेल्फ। आपको जो शोज मिलेंगे, नो डाउट बैटमैन है, झुंड है, हाँ नहीं राधे श्याम है, एंड गंगूबाई काठियावाड़ी इज डूइंग वेल, बट एक्चुअली यू विल बी सरप्राइज बिकॉज दिस 20 मिनट्स आर एब्सोल्युटली फंटास्टिक। Your trailer is not the part of the film. I know, of course. No, but it also gives an idea, na, what you have got. This is the raw material. So it gives an idea, when people write about it, the exhibitors will get an idea ki jab raw material itna achha hai, aapke paas, this is the base of your script. So jab aapke script ka base hi itna achha hai, to kitni achhi film banai hogi, isse idea aata hai, humko bhi aata hai. So we will convey that to this, you know. So please rest assured. अच्छा, आप इतनी सीरियस बात हो गई, मुझे डर लग रहा है कहीं आप लोग ये ना सोचें कि अरे कहीं ऐसा नहीं बड़ी फ्यूनरल जैसी फिल्म है, मनूस फिल्म है, बड़ा यानी किसी के मरने में जाते हैं। तो मैं आपको एक बात सच्ची बात बताऊं, इट्स अ प्योर फिल्म। इतना तो मुझ पर भरोसा करिए कि मैं फिल्म को एंगेजिंग और एंटरटेनिंग तो रखूँगा आपको। ये 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म है, 4-5 हज़ार लोगों ने देखा है, जो कि ना तो हमारे भक्त थे ना हम हमारे से कुछ लेना देना था, जनरल पब्लिक ने देखा है। और एक यूनानिमस रिस्पॉन्स सबका यही था कि जब हम आए थे सोच के, दो अमेरिका में तो इंटरवल भी नहीं होता है, कि 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म है कैसे देखें, लेकिन हम पूरे टाइम एज ऑफ द सीट पे देखते रहे, बाथरूम जाना था नहीं गए। और आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे थे, नहीं 2 घंटे 50, हमें तो 2 घंटे की लग रही है, आप एक बार चेक करिए। ये रिएक्शन जनरल था, अगर आपका भी ऐसा कहीं रिएक्शन हो प्लीज मुझे फोन करिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा सुन के। तो दिस इज अ वेरी एंगेजिंग फिल्म, लेट मी टेल यू, इट विल एंगेज यू विद ब्रिलियंट डायलॉग्स, परफॉर्मेंसेस, और एक फिल्म में एक इनहेरेंट विट चलता रहता है, वो आप देखेंगे, यू क्राई फॉर वेरी डिफरेंट रीजन। When you'll see the film, you realize why you are crying. It's not about people getting killed. It's about something else. I leave it at that suspense. Thank you. Vivek ji. I was telling, when the 20 minutes can be so much engaging, without a hitch it went off, 20 minutes is a big time. It is, yes. Especially for press. Vivek ji, ek cheez zarur kehna chahungi. Our trailer bhi hamara unusually lamba hai, 3.5 minute ka hai. Ek cheez main bhi kehna chahungi. कि आपकी ऐसी फिल्में होती हैं कि उस पर लिखने के लिए हमें भी बहुत प्राउड फील होता है और हम कुछ अच्छा लिख पाते हैं। मुझे याद है कि ताशकंद फाइल के बारे में जब मैंने लिखा था तो उन्होंने वो ग्लैमर पेज पे नहीं डाला था, फ्रंट पेज के लास्ट में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पल्लवी, अनुपम जी, मिथुन दा के बिहाफ पे, पुनीत जी, दर्शन, मैं सबके जो भी इस फिल्म से इन्वॉल्व है उन सबके बिहाफ पे, शायद अपने करियर में पहली बार हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ कि इस फिल्म के बारे में जो पॉजिटिव नेगेटिव जो है, लेकिन इसको ब्रीदिंग स्पेस दीजिए, इसको फिल्म थिएटर में आने के बाद एक सांस लेने का मौका दीजिए। क्योंकि होता क्या है, कई बार फिल्म रिलीज़ होने के पहले ही लोग उसका गला मोड़ देते हैं, इसको एक बार सांस लेने दीजिए। और आपके आशीर्वाद से, आपके स्नेह से मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों तक ये बात पहुँचेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कुछ कह रहे हैं? हाँ मैम, यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग? यस
एक सेकंड जी. हेलो या अनुपम सर, हियर हियर. एज अ यूथ मैं आपसे पूछना ये चाहूंगी कि इस मूवी से यूथ को क्या कुछ सीखने को मिलेगा, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? ये सवाल आप एक यूथफुल पर्सन से ही पूछ सकती थी. हाँ हाँ वही ना. तो एज ए यूथ मुझे क्या लगता है कि ये आज के यूथ को उनके देश में क्या हुआ, क्या हो रहा है 32 साल पहले, ये जानना बहुत ज़रूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर हिस्ट्री. जैसे हम अपने परिवार की हिस्ट्री जानते हैं, परिवार से पूछते हैं, और ये पूछने चाहिए सवाल. मैं तो मेरे पिताजी को परेशान कर देता, अच्छा मेरे पिताजी के पिताजी कौन थे पापा, फिर उनके पिताजी कौन थे, माँ से पूछता था. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द हिस्ट्री ऑफ योर ओन कंट्री. दैट इज़ वन मोर थिंग, दैट्स वन थिंग. एंड ऑल्सो इट इज़ अ वेरी एंगेजिंग फिल्म एज विवेक सेड इट. फिल्म मतलब सच्ची में 2 घंटा 50 मिनट कैसे निकल गए बिल्कुल पता नहीं लगता है. समटाइम्स यू हैव टू सी ए फिल्म विच मेक्स यू थिंक, कि पॉपकॉर्न खाते खाते आँख में चला जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, दिल में जाना चाहिए ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आपको एज ए यूथ एंड मेरे को एज ए यूथ पर्सन अच्छा लगेगा. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. नहीं अभी नहीं, फिल्म जब, ऐसा मेरा इरादा जब फिल्म रिलीज हो जाएगी तो उसको एक वेब सीरीज की तरह से वी विल रिलीज इट, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मटेरियल है. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब यहाँ पर आए. एंड इट्स नाउ टाइम फॉर अ क्विक फोटो ऑप. जी जी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अभी हमने 20 मिनट का जो आपने दिखाया बहुत ही दिल को छू जाने वाली लगी. और जिस तरह की ये स्टोरी है, जिस तरह से ये हमारे हिस्ट्री में हुआ, द कश्मीर फाइल आप लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले क्या ऑडियंस को बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि ये यथार्थ है, बहुत ही सत्य है, और ये जो कड़वा सच है ये लोगों तक ज़रूर पहुँचना चाहिए. और ये विवेक अग्निहोत्री साहब ने जो ये जो बीड़ा उठाया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है. यू नो ही डिज़र्व्स ऑल द क्रेडिट टू ब्रिंग दिस स्टोरी आउट. बहुत ही बढ़िया बात है. और देखिए ये बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दारुण है, इतनी इमोशनल कहानी है ये कि जो सत्य है. आप देखेंगे कि मेरा तो ये कहना है ज़रूरी, ये चाहता हूँ कि अपने दर्शकों से कि हर भारतीय को ये फिल्म देखनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि किस तरह एक मास एक्सोडस हुआ, जेनोसाइड किया गया, एक कम्युनिटी को मार मार के भगा दिया गया, ताकि ये लोगों को दिल जो दिल दहला देने वाला जो ये सब्जेक्ट है लोगों तक पहुंचे, बिकॉज और ताकि इस तरह की दोबारा घटना हमारे देश में फिर ना हो. यही रीज़न है कि हम सब इस कॉज से जुड़े हैं और हमने ये विवेक साहब ने ये फिल्म बनाई है, बहुत ही काबिल तारीफ, बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है. जिस तरह से आपने कहा कि ये कड़वा सच है, कहाँ आपको लगता है किसकी गलती है, क्या कुछ फॉल्ट है जिस तरह से ये स्टोरी बन के? देखिए आप जब फिल्म देखेंगे आप रियलाइज़ करेंगे कि किसने, देखिए जो जेनोसाइड हुआ, जो मास एक्सोडस, जो आप देखेंगे जो जो एक एक कम्युनिटी को जो प्रोसिक्यूट किया गया, ये पहली बार नहीं हुआ है. ज्यूस के साथ हुआ,
हमारे देश में आप देखिए पार्टीशन से पहले, बिकॉज मेरे जो पिताजी थे, मेरे जो दादाजी थे, वो रावलपिंडी के थे, सियालकोट के थे, पेशावर के थे, तो किस तरह वे रातों रात, उनको एक भी देश आज़ाद हुआ, पार्टीशन हुआ, तो उन्हें पाकिस्तान छोड़कर, जो हमारा जो हिंदुस्तान था, वो वेस्टर्न पंजाब था, उसे छोड़कर आना पड़ा। तो मैंने तो कहानी सुनी थी यार, कितना मतलब एक कपड़ों में सब कुछ, घर बार हर चीज़ छोड़ के वो आ गए थे, तो एक डिस्प्लेस हो गए थे। उसके बाद फिर 1990 के दशक में पता चला कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को मार मार के बाहर निकाला जा रहा है, जस्ट बिकॉज आप एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। आप देखेंगे क्या क्या हुआ। और तो ये जो सच था, ये जो कड़वा सच है, ये लोगों तक लाना बहुत ही ज़रूरी था। देर आए दुरुस्त आए, 30 वर्षों बाद या 35 वर्षों बाद, ये कितने, ऑलमोस्ट दिस इज 32 ईयर्स के बाद ये फिल्म जो है वो 89 में शुरू हो गया था, ये फिल्म आ रही है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ये आनी चाहिए फिल्म, ताकि लोगों को पता चले, और हम जो है इस तरह की दोबारा ऐसा जो जेनोसाइड, ये नहीं होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान में हर भारतीय को रहने का अधिकार है, और किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, जिस तरह से यूक्रेन में हो रहा है, उस पर आपकी क्या कुछ टेक होगी, क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? देखिए, वो वहाँ का मसला है, डेफिनेटली वो है। ये मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी पर भी अतिशयोक्ति या एग्रेशन या वॉर जो है वो मसला, वो समस्या का समाधान नहीं है। बिकॉज जब एक युद्ध, जो वॉर होता है, तो जो आप देखिए, जो घाव तो जो है, जो माताओं को, बहनों को, बच्चों पे, इसका जो असर है, वो केवल उन्हीं पर नहीं पड़ेगा, पूरे विश्व पर पड़ेगा। और वॉर चीज़ ही ख़राब है, क्यों? देखिए, बाद में तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो हाथ मिला लेंगे, हाँ, लोग पेपरों में लिख देंगे, सब लिख देंगे, लेकिन जो अपना बेटा खोएगा, जो अपना पति खोएगा, जो अपना बाप खोएगा, उनका दुख तो वैसा वैसा रहेगा। ये है, और ये जो हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि रशिया का ये भी एक रिएक्शन है जो उन्होंने किया है। अगर आप उनका पढ़ें तो वो किसी हद तक वो गलत नहीं है। उनको लगता है कि भाई, आप ये जो बिग डैडी अप्रोच क्यों है, आपने इराक को इन्वेड किया और उसको नेस्तो नाबूद कर दिया, उस मुल्क को, सिर्फ ये इस प्रिटेक्स्ट पर के ये इस कंट्री में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, आपने पूरे मुल्क को नेस्तो नाबूद कर दिया, तहस नहस कर दिया। बाद में कहा कि नहीं, सॉरी, आवर इंटेलिजेंस फेल्ड अस, लेकिन जो लोग मरे उनका क्या? तो ये जो बिग डैडी अप्रोच है, जिसके खिलाफ रशिया ने आवाज़ उठाई है, बहुत सही किया, और उन्हें क्यों नहीं करेंगे? तो ये, बट ये जो लोगों का मरना, ये बिल्कुल सही नहीं है, मैं ये मानता हूँ। और बस मैं तो चाहूँगा कि जितने ये युद्ध जो है, ये समाप्त हो फटाफट, बिकॉज ये न केवल उन पर, ये हम पर भी, पूरी दुनिया पर इसका वो होगा। एंड वॉर इज़ नॉट द आंसर फॉर एनी प्रॉब्लम, बैठ के डायलॉग में करके इसको तय करना चाहिए। और बस ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि बहुत जल्द ये ख़त्म हो। हमारे देश में कर्नाटका में अभी हिजाब को लेकर भी काफ़ी चर्चे चल रहे हैं, कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, उस पर आपकी क्या कुछ? हाँ, पहली बात है, देखिए ना, ये तो क्या, ये जो लोग हैं, ये बार बार हमारे देश में मतलब अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान में कहीं भी हिजाब का जिक्र नहीं है। वो हिजाब कहते हैं परहेज से, क्या इंसान का जो परहेज है, हिजाब बुराई से होना चाहिए, यू नो, बदी से होना चाहिए, ये है, एंड इट इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट। तो ये खामखा, भाई आप अपना आप पहनिए, आप अगर आप एक बिलीव करते हैं, आप घर पे हैं, आप बाहर घूमने जा रहे हैं, करिए, लेकिन स्कूल्स जो हैं, जो एक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका एक जो ड्रेस कोड है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। कल तो फिर, कल अगर अपना दिगंबर जो हैं वो आगे कहीं जी और नागा साधुज के बदले, हम तो जी हम पूरे वैसे आना चाहेंगे, क्या हम उन्हें अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो ये बिल्कुल जो है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये ज़िंदा रखने के लिए, ये जो तबके हमारे देश को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं, और ये बहुत ही, और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पहले भी था कि इट इज़ नॉट एन एसेंशियल, ये आप पहना, आप घर में पहनिए, आप बाहर रहिए। और औरतों पे जो ये जो पाबंदी लग रही है, क्योंकि वे जो लोग हैं, इस तरह की मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए।
गॉड ब्लेस। पहले तो आपको बताना चाहूंगी कि हमने अभी 20 मिनट का जो देखा है बहुत ही ज्यादा दिल को छू जाने वाली है, और जिस तरह से ट्रेलर हमने देखा वो भी दिल को छू जाने वाली है। ये इंसिडेंट जिस तरह से आप सच्चाई के साथ ला रहे हैं द कश्मीर फाइल्स, क्या कुछ आप बोलना चाहते हैं ऑडियंस से? सबसे पहले ये मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि ये फिल्म सच्चाई पर आधारित है। ये एक दिल से बनाई गई फिल्म है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के दिल तक पहुंचेगी, और वो हो भी रहा है क्योंकि मैं आप लोगों के रिव्यूज़ देख चुका हूं। आप लोग जिस तरह से ट्रेलर को देखकर टच हुए हैं, उससे प्यार किया है, उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी फिल्म को हेल्प कर रहे हैं लोगों तक पहुँचाने में, उसके लिए थैंक यू। और या मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म भी आपको जैसे ट्रेलर पसंद आया वैसे ही फिल्म भी पसंद आएगी। अगर कैरेक्टर की बात की जाए, जब आपको ये ऑफर किया गया था क्या कुछ आप फर्स्ट थाउट था इसको लेकर, और जब ये कैरेक्टर आप निभा रहे थे क्या कुछ आप सोच रहे थे? जब मुझे ये कैरेक्टर ऑफर किया गया था तो सबसे पहले मुझे याद है मैं पल्लवी मैम से मिला था और उन्होंने मुझे ऐसे ही वीडियोस दिखाए थे जो अभी आपने 20 मिनट्स के वीडियो देखे, जो रियल लोगों के साथ जो बीती उन पे आधारित थे। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर शूट किया था और मैं नम रह गया था। शायद मैंने यहाँ भी देखा लोगों की आंखें भर आई थी वो सब देखने के बाद, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। फिर मेरी मुलाकात विवेक सर से हुई और उन्होंने मुझे ज़्यादा क्योंकि मैं वो वीडियोज़ देखने के बाद कुछ बोलने की उसमें था नहीं, तो उन्होंने कहा मैं समझ सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी। और स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त मुझे सेम एग्जैक्टली जो मैंने वीडियोस में देखा था, जो डायलॉग सुने थे, जो लोगों की बात सुनी थी, वही फिल्म के अंदर था। एक भी शब्द ना इधर से ना उधर से, क्योंकि विवेक सर ने बहुत ही खूबसूरती से वो स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे और जो रियल हैं और जो रियल हुआ है, क्योंकि इसी वजह से अब आप देखें तो रील और रियल के बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं क्योंकि पब्लिक डोमेन में है वो सब कुछ जो हुआ था। तो इस कैरेक्टर को प्ले करते वक्त मुझे बहुत कुछ ऐसे ही वीडियोज़ देखने पड़े जो बहुत पेनफुल थे, और जिस दिन से मैंने शूट स्टार्ट किया था उससे फिल्म ख़त्म होने के 15-20 दिन बाद तक मुझे थोड़ा ऐसा लगने लगा था कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, क्योंकि वो कैरेक्टर ही थोड़ा सा चैलेंजिंग, ये कृष्णा पंडित का बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है क्योंकि स्टूडेंट है, बहुत सारी न्यूज़ से इधर से उधर से कुछ बातें सुनता है लेकिन रियलिटी कुछ और होती है, तो वो जब उसके सामने कुछ उल्टा होता है तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है लाइक। और तो वही है कि बहुत चैलेंजिंग रहा लेकिन अभी प्यार मिल रहा है तो या I'm glad people are liking it. सर आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी यूक्रेन में चल रहा है उस पर क्या कुछ आपकी टेक होगी? एक्चुअली दिल टूट जाता है ये सब देखकर। मुझे लगा था कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते, हमें एक दूसरे के प्यार की ज़रूरत है, एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत है। कोविड टाइम में यही हुआ था कि लोग सब भूल भाल कर एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे हर तरीके से, तो मुझे लगा था कि शायद हमें इससे सबक मिल जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, अभी तक हमारी इकोनॉमी उठी भी नहीं और हम कोविड से बाहर भी नहीं आए हैं, लेकिन अब देश लड़ रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं आपस में, फिर से वही शुरू हो गया। बट आई बिलीव कि ये सब ख़त्म होना चाहिए क्योंकि प्यार बांटने से प्यार मिलता है, बढ़ता है, और प्यार से ही और एक दूसरे के सहारे से ही हम सर्वाइव कर सकते हैं। या अभी जैसे अपने देश में कर्नाटका में हिजाब को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, आपकी उसमें क्या कुछ ओपिनियन? जैसे मैंने बताया कि वो समझ नहीं आ रहा कि लोग क्यों ऐसा हर चीज़ पे अभी टची होते जा रहे हैं और इश्यू बनाते जा रहे हैं। सो अपने शो को लेकर और क्या कुछ ऑडियंस से आप अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ बोलना? हमारी फिल्म को ये है कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, एक एक चीज़ जो फिल्म में आप देखेंगे वो आप पब्लिक डोमेन में देख सकते हैं, वो रियल में हुआ था। और इस फिल्म का मकसद ये है कि ऐसा कभी किसी भी कौम के साथ या किसी भी इंसान के साथ आगे ना हो, हम इससे सीख लें, हम एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें और एक दूसरे की हेल्प करें, तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे और आगे जीवन में खुश रह पाएंगे। तो मैं ये फिल्म आपको ये सीख देगी और ये देगी कि जब इंसानियत ख़त्म हो जाती है तो फिर क्या होता है, तो वो ख़त्म नहीं होने देना है, हमें एक दूसरे से प्यार करना है। तो आप लोग इस फिल्म को देखिए और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो मैम, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि ट्रेलर मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मैं कनेक्ट हो गई, और जिस तरह से अभी मैंने 20 मिनट का वो जो आपने दिखाया वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर दिया। आपसे जानना चाहूँगी आप ऑडियंस को क्या कुछ बोलना चाहेंगे द कश्मीर फाइल को लेकर? मेरे ख्याल से नाम में ही सब कुछ है, और लोग आएँ फिल्म देखें तो बस उन्हें पता चलेगा। बाकी कश्मीर के बारे में और क्या बोल सकते हैं, आई थिंक हमारे ट्रेलर ने ही जितना बोलना था वो हम बोल चुके हैं,
मैम, अगर आपके कैरेक्टर के बारे में बात की जाए, जिस तरह से आप कैरेक्टर को निभा रही हैं, उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगी? देखिए, आज तक आपने शायद मुझे जिन किरदारों में देखा, ऑलवेज प्लेड अ गुडी टू शूज, और मैं कहीं बहुत ऊब चुकी थी उन कैरेक्टर्स से, क्योंकि फिर कोई मज़ा नहीं आता करने में, यू नो, यू डूइंग जस्ट द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन. बट विद विवेक आई थिंक ही गिव्स मी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, और जो लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो जब आप उनको दिखाते हैं तो इट बिकम्स अ चैलेंज, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस टू गेट इन टू द स्किन ऑफ दीज कैरेक्टर्स, बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्सन एट ऑल. लाइक कल को मुझे किसी ड्रग एडिक्ट का रोल करना होगा, या रैग पिकर का रोल करना होगा, या किसी प्रोस्टिट्यूट का रोल करना होगा, देर इज़ नो वे दैट आई कैन आइडेंटिफाई विद यू नो दीज पीपल, बट आई विल हैव टू, यू नो, दैट प्रोसेस बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई हैव टू गेट अंडर द स्किन ऑफ दैट कैरेक्टर एंड बिकम देम, तो बिकॉज इट इज नथिंग लाइक मी, द प्रोसेस बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग, और फिर उसमें आप हार्डवर्क भी करते हैं उतना, तो इसलिए ये कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, दे बिकम अ चैलेंज, यू नो. थैंक यू सो मच. मैं तो कॉन्ग्रेट्स बोलना चाहूँगी, जिस तरह के आप मुद्दे उठाते हैं, सच्चाई जिस तरह से आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, और हमने ये ट्रेलर देखा, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर दिया मुझे, और जिस तरह से आपने 20 मिनट का वो दिखाया, वो भी ज़्यादा इमोशनल फील हुआ उसको देख कर. ऐसा आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे ऑडियंस को द कश्मीर फाइल्स को? देखिए, कई बार क्या होता है कि कश्मीर के साथ समस्या ये हो गई कि कश्मीर पे बात बहुत हुई अबाउट द जेनोसाइड, मर्डर्स, रेप्स, उसके बारे में बात बहुत हुई, पर जिन लोगों के साथ ये हुआ, जिनके साथ ये मर्डर हुआ, जिनके साथ ये रेप हुआ, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, उनसे किसी ने बात नहीं करी. और जब हम और पल्लवी जी निकले ये बात करने उन लोगों से, आप यकीन नहीं करेंगी कि टूटे हुए दिलों की आवाज़ एकदम अलग होती है. टूटे हुए दिल बोलते नहीं, उनको सुना जाता है. और ये मैंने सीखा कि जब मैंने उनसे बात करनी शुरू की, तो यानी मेरे जीवन का एक हिस्सा टूट गया, समझ लीजिए जैसे क्रैश हो गया, कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, मैं भी क्रैश हो गया, कि हमने सारा टाइम उसको एक पॉलिटिकल नज़रिए से देखने में बिता दिया, पर कहानी तो इंसानों की थी, उनके दर्द की थी, उनकी माँ को मारा गया, बाप को मारा गया, बच्चों को कुचला गया, कहानी तो उस बारे में थी, पर हम बात करते रहे एक ऐसी कहानी की जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है. और इतना धोखा दिया है हमने देश के लोगों को पिछले 30-32 साल में, इतना धोखा दिया है, मेरा दिल पीड़ा से भर जाता है. और इसलिए मुझे ऐसा लगा, मुझसे अभी किसी ने पूछा कि इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है, मैंने कहा मैं ज़िम्मेदार हूँ, और ये फिल्म मेरा प्रायश्चित है, क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मैं एक राइटर हूँ. जब ये हुआ था तो मैंने क्यों नहीं कलम उठाई और कुछ लिखा, क्यों नहीं मैंने फिल्म बनाई, कुछ नहीं तो मैं कैमरा ले लेता और उससे भी कुछ शूट करके कर सकता था, पर मैंने नहीं किया, इसलिए क्योंकि क्यों करूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा है. लेकिन अब मैं जो कर रहा हूँ ये मेरा प्रायश्चित है, मैं आने वाली जनरेशन्स को इतना साहस और हिम्मत हो इस फिल्म से कि वो भी ये कहानियाँ सुनाने पर मजबूर हो जाए. जिस तरह से सिचुएशन चल रही है अभी ये यूक्रेन में, अगर बात की जाए उसकी, या फिर अपने देश की बात की जाए, कर्नाटका में हिजाब को लेकर, उस पर आपके क्या कुछ टेक होगी, क्या कुछ ओपिनियन है? देखिए, कर्नाटका में पहली बात तो वो हिजाब की कंट्रोवर्सी नहीं, वो बुरके की कंट्रोवर्सी है. हिजाब तो सिर्फ सर में वो बांधने को कहते हैं, ये बुरके की कंट्रोवर्सी है, और मीडिया उसको झूठ मूठ हिजाब कंट्रोवर्सी इसलिए बोल रहा है कि फॉरेन में, अमेरिका और बाकी जगह में हिजाब वर्ड को लेके थोड़ी सेंसिटिव हैं लोग, बुरका बोलेंगे तो वो लोग भी उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे. अमेरिका में बुरका उरका कोई नहीं एक्सेप्ट करता है, हिजाब तक ठीक है. तो ये, पर मैं उसके अगेंस्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने कश्मीर को बहुत गहरा अध्ययन किया. कश्मीर में अगर आप देखें तो 80 के पहले की जो लड़कियाँ थीं वो बिल्कुल आपसे भी ज़्यादा मॉडर्न कपड़े पहनती. मॉडर्न का मतलब मेरा ये नहीं है कि कम कपड़े पहनना, मॉडर्न से मतलब वेस्टर्न जीन्स पहनती थी, शर्ट पहनती थी, टी शर्ट्स पहनती थी, हर तरह के कपड़े. और उन लोगों को ऐसा नहीं था कि कोई सोसाइटी बांध रही है कि तुम्हें ये पहनना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, उनको स्वतंत्रता थी. और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन आई, उन लोगों ने फिर लड़कियों को मार मार के, पीट पीट के ये बोला कि अगर तुम पूरा बुरका नहीं पहनोगी और आँखें भी नहीं दिखनी चाहिए, देखिए वहाँ पर जाली वाला बुरका कई जगह पर इतना दिखता है आँखें, वो भी नहीं, यानी तुम कुछ नहीं, तुम्हारी आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए, तुम्हें जेल की तरह. और मार मार के उनको बुरका पहनाना शुरू किया. और सिर्फ उतना ही नहीं, जब ये प्रोसेस पूरी हो गई लड़कियों को बुरका पहनाने की, आप एक महिला हैं आप समझ सकती हैं, उसके बाद जो दूसरी लड़कियां थीं उन लोगों को बोला तुम तिलक लगाओ ताकि पता चले दूर से कि तुम हिंदू हो और हम तुमको पकड़ सकें.
तो मुझे पता है ये कैसे शुरू होता है सारी दुनिया में, अफगानिस्तान, ईरान में देखिए आप, इराक में देखिए, वहाँ पे लड़कियाँ छोटे छोटे स्कर्ट पहनती थी, बीचेस में बिकिनी पहन के जाती थी, उन सब की फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं। लेकिन जब टेररिज्म घुसा वहाँ पे, ये इस्लामिक टेररिज्म के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जाते ही घुसते ही साथ सबसे पहले महिलाओं का और वीकर सेक्शंस को दबाता है, टॉर्चर करता है, उनको बुरके के अंदर भर देता है, और फिर सारे जो मेल हैं पेट्रियार्की जो है वो टेक ओवर कर लेती है, और बंदूकों के सहारे फिर ना तो आपको गाने की आज़ादी है, ना डांस करने की आज़ादी है, ना कविता लिखने की आज़ादी है, ना एक्टिंग करने की, आपसे सारी आज़ादी छीन ली जाती है, और धीरे धीरे वहाँ से आर्ट, लिटरेचर सब ख़त्म हो जाता है, और सिर्फ बंदूकों के राज में वही लोग रह पाते हैं जो उन बंदूकों के ऑर्डर को मानते हैं। इसलिए मैं इसके अगेंस्ट हमेशा आवाज़ उठाता हूँ, दैट्स द रीज़न। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मेरी शक्ल की बात करो। इतनी फिल्मों का हिस्सा रहने के बाद, इतनी कामयाब फिल्म में काम करने का, ये फिल्म जरूर आपके लिए खास होगा, सबसे खास होगा क्योंकि ये रियल लाइफ से कनेक्ट करता है। मैं पिछले 10 साल से मैंने काम कम कर दिया था, बिकॉज मैं पहले तो इसी वजह से 522 फिल्में कर चुका हूँ, इतनी फिल्में की हैं, तो मैं ये फिल्म बाकी फिल्मों की तरह ज़रा ज़्यादा फोकस है, और ख़ासकर ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों की त्रासदी है, उनकी ट्रेजेडी की कहानी है, और इसको पर्दे पर लाना कला का भी उसमें हाथ था, और मतलब क्राफ्ट का भी काम था एज एन एक्टर, और दिल के जितने भी टुकड़े हो सकते थे उनको भी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ये इस ट्रेजेडी का जो 400,000 लोगों को या 4,00,000-5,00,000 लोगों को 19 जनवरी 1990 को अपने घरों से निकलना पड़ा, और पिछले 32 साल से उनको कोई न्याय नहीं मिला है, तो कभी कभी उस ट्रेजेडी को देखकर पर्दे पर एक थोड़ा सा मरहम का काम होता है, वो जो उनके साथ हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता, जिनके अपने लोग चले गए, जिन औरतों का रेप हुआ, जिन लोगों का मर्डर हुआ, या जिनको घर से निकाल दिया गया, वो तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन उनकी ट्रेजेडी जो है वो लोगों तक पहुंचेगी, इससे थोड़ा सा लगता है कि चलो हमारे साथ कोई हमदर्दी दिखाने वाला होगा। फिल्म के जो निर्देशक हमें से कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, पहले की जो फिल्म बनाई थी वो भी अलग थी, ये भी अलग है, क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है जब कुछ अलग करने? मुझे विवेक की फिल्म ताशकंद फाइल्स बहुत अच्छी लगी थी, बुद्धा इन ट्रैफिक जैम में मैंने खुद भी काम किया था। कभी कभी अपनी कॉलिंग मिल जाती है, आपको लगता है कि अब ये मैं बनाना चाहता हूँ, ये मुद्दे से जुड़ी हुई फिल्में मैं उनमें काम करना, उन पर पिक्चर बनाना चाहता हूँ। आई थिंक विवेक रंजन अग्निहोत्री हैज़ गॉट हिज कॉलिंग, ही हैज फाउंड हिज निश, ही हैज फाउंड हिज ट्रूथ, एंड दैट्स वेरी 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 पावरफुल। यू सी, जस्ट बिकॉज आप कैरेक्टर की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, पर उसको उसी हिसाब से दर्शाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो महसूस किया हो उसका दर्द तो एक इंडिविजुअल को महसूस होता है, लेकिन वो करोड़ों लोगों को कैसे महसूस होगा, उसके लिए कला की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दोनों को, जो कैरेक्टर का नाम है पुष्कर नाथ है, जो मेरे फादर का भी नाम था, दोनों को जोड़कर लोगों तक पहुंचाना और अपने दर्द को छुपा कर रखना, वो बड़ा मुश्किल था, बट काम मुश्किल ना हो तो उसको करने का फ़ायदा क्या अगर ना हुआ तो। कभी कभी सच्चाई को दिखाने में एज इट इज उसमें किसका फॉल्ट रहा, किसकी परेशानी थी, वो लोगों को डिसाइड करना चाहिए। हम तो कहानी के पात्र हैं और हमने कहानी को दिखा दिया, पूरी दुनिया जानती है कि इसके किसके, टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ऑफ ह्यूमन काइंड, ऑफ वर्ल्ड टुडे, और यही टेररिज्म का ये जो थे ये शिकार हुए ये कश्मीरी पंडित, एक वरना कश्मीर जो है वो उसका कश्यप, ऋषि कश्यप के नाम से उस पर रखा गया है, और धीरे 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 करके सब लोग वहाँ से निकाल दिए गए। तो आई थिंक टेररिज्म ने हर किस्म के इंसान को, हर किस्म के धर्म को नुकसान पहुंचाया है, न केवल पंडितों को, ब्राह्मणों को या हिंदुओं को, पर उसमें मुसलमान को भी काफ़ी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, काफ़ी उनकी भी जाने गई हैं, सरदारों को, अभी कितने, अभी भी कश्मीर में कितने लोगों ने मुसलमानों को ही मारा है,
कितने सरदारों की रिसेंटली हत्या की गई है. तो बिगेस्ट एनिमी ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज टेररिज्म. नमस्कार. थैंक यू.